ये आहत का जो है ना असाइनमेंट मैंने चला दिया, ये वीडियो इन्होंने लिंक्डइन पे बना के डाली है। हाँ अच्छा, ये दो अलग अलग खानों में कार्ड्स ऐड हो रहे हैं। ये ट्रेलो का जो है जो असाइनमेंट दिया गया था ये वो वाला असाइनमेंट है। ठीक है जी, ड्रैग करके इस तरफ आ गया ये। गोल्डन यार। अच्छा इसको ज़रा होस्टिंग वाला जो लिंक है इसका उसको चला के भी देख लेते हैं। ये आ गया जी। अच्छा इन्होंने मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है, ये बैकग्राउंड इमेज भी तुमने अच्छी लगाई है यार। अच्छा तो हम इसको ना ट्रेलो के हिसाब से ज़रा इसमें कार्ड्स बना के देखते हैं। वीडियो तो हमने देख ली, अब ज़रा इसको चला के देखें। तो एक हम देखते हैं जी टू डू, और एक हम बोलते हैं कि जी इन प्रोग्रेस, ऐसे ही होता है ना जो टास्क होता है, और कंप्लीटेड और टेस्टेड। सही है, चार हो गया। अब मैंने कहा जी ये के टास्क वन है, एंटर इस पर काम नहीं कर रहा। अच्छा ऐड का बटन दबाना पड़ेगा, इस पर एंटर बनाइएगा, इस पर एंटर लगा दीजिएगा कि एंटर से चले। टास्क टू, टास्क थ्री, अब ये तीन टास्क हैं। अब ये एज अ ऑनर या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये ऐड कर दिया भाई मैंने। अब डेवलपर आएगा, यही वाला खोलेगा वो ट्रेलो में। अभी तो खैर इसमें वो लॉग इन साइन अप वाला नहीं है सिस्टम, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं वो ऐसे आके इसको ड्रैग करेगा और ये इन प्रोग्रेस में लाके ऐसे छोड़ देगा। तो जब भी मैं इसको खोलूँगा शीट को, तो मुझे पता चलता रहेगा कि कौन सा टास्क हो रहा है अभी, कौन सा नहीं हुआ है। जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा इसको कंप्लीटेड में डाल देगा। फिर मैं आऊँगा, मैं इसको जो है ना करूँगा टेस्ट कि जी ये सही बना है कि नहीं बना। अच्छा अगर तो ये सही बना होगा तो मैं इसको उठा के डाल दूंगा टेस्टेड में कि जी टेस्ट हो गया ये। अगर ये सही नहीं बना होगा इसको मैं एडिट करूँगा, इसको मैं एडिट करके। अच्छा इसमें तो अभी वो न्यू टाइटल आ रहा है। हाँ ट्रेलो में क्या होता है कमेंट्स का एक ऑप्शन आता है, तो मैं इस पर कमेंट लगाता हूँ। कमेंट ये लगाता हूँ कि भाई इसमें ये फला फला इशू है, और एंटर करके ना इसको मैं वापस उठा के टू डू में डाल देता हूँ। तो इस तरह चलता है ट्रेलो। सही, अगर किसी को नहीं पता था तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देख ली होगी यूट्यूब पे वीडियो की ये क्या चीज़ होती है, कैसे चलती है। अच्छा और इसमें से कोई टास्क डिलीट भी किया जा सकता है और किसी को एडिट भी किया जा सकता है। गुड यार, बहुत ज़बरदस्त, क्लैपिंग हो जाए यार वन सेकेंड इनके लिए। ठीक है जी, तो अब्दुल अहद से हो गया तो इसका मतलब है बाकी लोगों से भी हो जाना चाहिए था। अब ज़रा देख लेते हैं कि और किसने भेजा है। अच्छा शहरोज़, शहरोज़ ने भी बना लिया यार। इसको भी सेम उसी तरह चलाते हैं हम। अच्छा टू डू में टास्क वन ऐड करता हूँ। सही है, इसमें एंटर चल रहा है। सही है, टास्क टू, ये एक दफ़ा एंटर करने के बाद इसमें से गायब क्यों हो जाता है कर्सर? ये वापस इधर ही आना चाहिए ताकि मैं लिखता। नहीं, वो देखो टास्क थ्री लिखा मैंने और मैंने एंटर किया, एंटर के ऊपर एक फंक्शन चला रहे होगे ना तुम। नहीं एंटर पे कुछ फंक्शन चल रहा होगा। नहीं ये नीचे जो ऐड होता है ये कैसे होता है, कोई फंक्शन तो चलता होगा ना इसके एंटर पे। तो उस फंक्शन, एंटर जो प्रेस होता है ना, उस फंक्शन के अंदर पहले तुमने नीचे जो भी क्रिएट करना था वो सब क्रिएट कर लिया, उसके बाद इस टेक्स्ट फील्ड को खाली कर लिया और इस टेक्स्ट फील्ड को तुमने फोकस करा देना। फोकस या एक्टिव जो भी होता है वो देख लेना तुम क्या होता है, कि कर्सर इधर आके खड़ा हो जाए दोबारा, कर्सर गायब ना हो यहाँ से। ठीक है अच्छा, फिर उसके बाद अब मैंने कहा कि यार, उठाया मैंने और यहाँ ला के छोड़ा। अच्छा ये हैंडल से पकड़ेंगे तो होगा। गुड यार, ये भी अच्छा है। अच्छा टच हैंडल, हाँ पूरी लिस्ट पे ही वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी चल रहा है। अच्छा यार आप लोग इस क्लास के स्टूडेंट हैं? आप लोग इसी क्लास के हैं?
अच्छा, तो यहाँ पे असल में क्लास चल रही है, तो आप अगर उस कॉर्नर में बैठ जाए ना तो ज़्यादा सही होगा, उस कॉर्नर में बैठ जाए। नहीं, ये आपसे हो सकता है कि ये आप लोगों के साथ ही इनका सेक्शन बैठेगा। नहीं, आप यहाँ पे क्लास लेने आए, वेट करने आए? क्लास लेने। अच्छा, हाँ फिर तो यार आप पीछे यहाँ पे बैठ जाए, इस तरफ यहाँ पे जहाँ आपको जगह मिले वहाँ बैठ जाए, मुझे लगा वेट करने आए। चले, गुड, सही है। हाँ, नो प्रॉब्लम, मुझे लगा शायद वेट करने के लिए आप आए ना यहाँ पे। अच्छा, मैं रीज़न भी बता दूँ आपको मैं क्यों उधर ले जा रहा। असल में ये क्लास ना ऐसे पैनोरामिक है थोड़ी, मतलब लेफ़्ट से लेके राइट तक ना मुझे ऐसे चेहरा घुमाना पड़ता है, तो मैं बजाते खुद मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे ये चाहिए होता है कि मैं हर स्टूडेंट से ना बारी बारी आई कॉन्टैक्ट करूँ। अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है कि कोई लेफ्ट आउट हो गया क्लास से। तो इस वजह से मैंने ये स्क्रीन ऑन की हुई और दरमियान वाली कोने वाली स्क्रीन मैंने की हुई बंद। तो यहाँ पे कोई सीट खाली थी तो मैंने कहा यार कोई नया स्टूडेंट आएंगे तो इधर बैठेंगे, इसलिए मैं आपको वहाँ भेज रहा था। चलें जी, तो आप सब लोगों को वेलकम कहते हैं जी इस क्लास में। भाई दोस्तों के लिए ज़रा क्लैपिंग हो जाए, आज से उन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। क्लास भर गई। अच्छा जी, तो गुड यार, वेल डन, बहुत अच्छा बनाया भाई तुमने शहरोज़, ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। और कोई ऐसी चीज़ जो मैंने इस पर चेक नहीं की अभी तक? डिलीट कॉलम करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, ओह वाह, गुड यार, इसकी तुमने अच्छी सी वीडियो बना के जो है ना उस पर लगानी है लिंक्डइन पे, ज़बरदस्त यार। अच्छा, किसी ने क्या ये फीचर ऐड किया है कि पेज रिफ्रेश करने पर डेटा गायब ना हो, लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए, कोई है ऐसा? अच्छा चलो, मैं लोकल स्टोरेज में आज पढ़ा दूंगा। वो लोकल स्टोरेज मैंने पढ़ाना था फंक्शन के साथ, शायद पढ़ाना था मैंने, वो मैं मिस करके निकल गया था। मैं इंशाल्लाह आज लोकल स्टोरेज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यार तुम लोगों ने तो सब में बना लिया, काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे तो सवालात ऐसे आ रहे थे, मुझे लग रहा था एक से भी नहीं बना है। मतलब ग्रुप वगैरह में इधर उधर में एक्टिविटीज़ देख रहा था, लोगों के जो पर्सनली भी मुझसे तासुरात थे, उन्हें लग रहा था किसी से भी नहीं बन रहा, लेकिन ये तो बनाया हुआ यार लोगों ने। ये कौन था? फराज तारिफ, शक्ल दिखा दें अपनी ज़रा, खड़े होकर शक्ल दिखाओ भाई सबको। ये है भाई फराज तारिफ, जिनके लिए क्लैपिंग हो जाए, अच्छा बनाया इन्होंने भी। बिलाल ज़फ़र, क्या हो रहा है भाई, इस पे आ क्यों नहीं रही? यार इस पे थोड़ा ना मार्जिन डालो। बिलाल जफर कौन है ये? इस पे ना थोड़ा मार्जिन पैडिंग डालो। हाँ अच्छा, कंप्लीट नहीं है ये। हाँ, जो कंप्लीट करो इसको, ये देख रहे हो ये डब्लू बाहर जा रहा है तुम्हारे डब्बे से, इस पे ना थोड़ी पैडिंग लगेगी। इस पे ये टाइटल देखो, ये भी ना इस पे भी थोड़ी पैडिंग वैडिंग मार्जिन लगेगा, तो फिर ये सेट हो जाएगा। बाकी ड्रैग करके ड्रॉप करना तो तुम्हारा फंक्शनैलिटी तो चल रही है, लेकिन ये डब्बा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, स्क्रॉलेबल क्यों हो जा रहा है ये? इसको बड़ा होना चाहिए, साथ साथ इसको ग्रो करना चाहिए। वेल, तो ये भी तुम्हें फीडबैक मिल गया, अच्छा बनाया तुमने भी यार। अच्छा जी, सलमान, ये तो वो पुराना वाला है, और ये भी कुछ और है। अच्छा भाई, और कोई है जिससे बन गया है? ये भी पुराना है। अच्छा, तो बिलाल ज़फ़र, फराज तारिक, अहद, शहरोज़, चार लोगों ने बनाया है। सलमान के नाम से दो हैं। हाँ, सलमान अहमद, ये ज़कात कैलकुलेटर आपका है? इसके साथ एक और भी है? नहीं यार, सलमान अहमद सिद्दीकी एक ही आया हुआ, दोबारा भेज दें। अच्छा भाई,
अब बाकी लोग जिनसे नहीं बना है, अब क्या सीन है उनका? नेक्स्ट क्लास में बन जाएगा। अच्छा अब देखो यार, जो दो चार लोगों ने बना लिया ना, उनका जो गिटहब की रिपोजिटरी है वो तो पब्लिक है सब लोगों की, तो आप लोगों ने जाके ना उनका कोड स्टडी करना है कि उन्होंने कैसे किया, क्योंकि YouTube वगैरह पे जो आप देखेंगे ना वो तो थोड़े अलग तरह के डेवलपर होते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है, लेकिन आपके साथ बैठा हुआ जो आपका दोस्त है जिसने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, वो आपके साथ ही पढ़ा हुआ है, उसको वही चीज़ें आती हैं जो आपको आती हैं, तो उसका कोड निस्बतन आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आपने जो है ना उसका कोड स्टडी करना है जिससे आपको ये समझ आ जाएगा। हाँ गुड यार, अच्छा लास्ट क्लास में मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर कोड करवा दें, तो मैं वैसे तो प्लान करके आया था कि ये आपको मैंने बनवाना है, एक डब्बे से उठा के दूसरे डब्बे में कैसे जाएगा, ये मैं आज प्लान करके आया था कि मैंने आपको कोड लिखवाना है इधर। अच्छा लेकिन चार पांच स्टूडेंट ने ये काम कर लिया है, तो मेरा ख्याल है अब ये कोड लिखवाने की क्लास में ज़रूरत नहीं है। अच्छा अगर ज़रूरत है तो मुझे हाथ खड़ा करके बता दो तो मैं करवा देता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तकरीबन 50% लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर ये कोड करवा दें। अच्छा यह ज़ाहिर है ये पूरी ऐप तो मैं नहीं आपको बनवाऊंगा, लेकिन बेसिक आइडिया जो है, बेसिक आइडिया इसमें देखो, इन टोटल जो इवेंट्स हो रहे हैं ना वो कितने हो रहे हैं इवेंट्स, इसमें एक एक डिव बना हुआ है डब्बा, और एक दूसरा बड़ा डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर छोटे छोटे डिव हैं या एलिमेंट है, जो भी कह लो आप, एलिमेंट कह लो या डिव कह लो या पैराग्राफ कोई कह लो, जो भी है, वो छोटे छोटे चार पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ के ऊपर आपने क्लिक किया तो क्लिक इज़ एन इवेंट, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसको तो आपको क्या मिल जाता है, उसका आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कि ये जी कोऑर्डिनेट्स इसकी क्या है, ठीक है। अच्छा फिर आप उस पर करते हो ड्रैग, ड्रैग का भी एक इवेंट होता है, राइट, क्या इसका इवेंट नाम है, ड्रैग के जो है वो चार इवेंट हैं। अच्छा वो तो ड्रैग के चार इवेंट उस पर लगेंगे जब आप खींचोगे, लेकिन जैसे ही आपने पकड़ा है ना उसको, जैसे ही आपने उसको पकड़ा ही हूँ, क्लिक किया उसके ऊपर, तो क्लिक करने पे आपको वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है, पूरा का पूरा एलिमेंट मिलता है। आप उस पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या करोगे, एक वेरिएबल में सेव करा दोगे कि दिस एलिमेंट इज़ ऑन द मूव, उसमें सेव करा लोगे आप। अब जब आप ड्रैग करोगे यूआई के ऊपर, वो ड्रैग होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा ड्रैग करने के दो तीन तरीके हैं, एक तो वो इवेंट वाला ड्रैग है, एक और ये भी हो सकता है कि आपने क्लिक किया ना, आप उस जब आप माउस मूव करें आप क्लिक फॉर्म में, तो आप क्या करें, जैसे हम पेंट वाली ऐप में करते थे कि आप उस एलिमेंट को उठा के उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करते जाएं ताकि वो स्क्रीन पे मूव होता हुआ दिखे कर्सर के साथ साथ, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में ये करके दिखाया था कि कर्सर के साथ, वैसे किया तुमने, कैसे किया? हाँ भाई कैसे, तुमने कौन सा वाला किया, कर्सर के साथ साथ मूव कराने के लिए क्या किया? अच्छा वेल तो आपने नंबर एक काम क्या किया कि इस एलिमेंट पे, अब मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखें, इस एलिमेंट पे आपने क्लिक किया, ये क्लिक डाउन हो गया, क्लिक डाउन पे आपने इस एलिमेंट को एक अलग वेरिएबल में सेव करा दिया कि जी ये एलिमेंट इज़ ऑन द मूव। अब जब इसको आप मूव करेंगे जब आप, ठीक है। अच्छा मूव पे आप ड्रैग कैसे करवाते हैं, ड्रैगेबल से करवाते हैं या वैसे आप CSS लगा के उसको पोजिशन इसकी चेंज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो आपको सही लगता है। अच्छा फिर जब आपने मूव किया ना, अब आपके कर्सर के साथ साथ ये एलिमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जहाँ पे भी आप ला के छोड़ेंगे ना क्लिक को, वहाँ पे आपको एक और इवेंट मिलेगा। क्या मिलेगा इवेंट? माउस, माउस अप मिलेगा, ठीक है। माउस डाउन और माउस अप दो है ना, ये माउस डाउन और माउस अप, या दो इवेंट आपको मिलते हैं, और तीसरे नंबर पे मिलता है क्लिक। तो यहाँ पे असल में आपको क्लिक नहीं मिला था, यहाँ पे माउस डाउन मिला था आपको। माउस डाउन पे आपने इस एलिमेंट को अलग वेरिएबल में सेव कराया, उसके बाद आपने माउस को मूव किया, जिधर ला के आप छोड़ोगे उसको, वो पूरा का पूरा डिव आपको उस इवेंट में मिलता है, ठीक है। उस डिव को आप चेक करोगे कि क्या ये वही डिव है जिसमें, मतलब ज़ाहिर है अब एक तो देखो ये वाला डिव है ना,
इसी पे लाके छोड़ेंगे तो इसको जाना चाहिए अंदर, कहीं और लाके छोड़ेंगे तो अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं इधर लाके छोड़ूंगा यहाँ पे तो वापस चला जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो जब यहाँ पे लाके जब मैं छोड़ूंगा ना इसको, तो जिस जगह पे लाके छोड़ूंगा मैं, वो पूरा का पूरा एलिमेंट मुझे मिलता है इवेंट के अंदर। मैं चेक करूंगा कि क्या उन डिव में से ये है जिसमें लाके छोड़ना चाहिए, अगर है तो मैं उस डिव में जो मैंने वेरिएबल में अलग किया था एलिमेंट, एलिमेंट उठाऊंगा उस डिव के अंदर अपेंड चाइल्ड करके लगा दूंगा, ठीक है। तो एक डिव से मेरा एलिमेंट दूसरे डिव में मूव हो जाएगा, समझ रहे हो, ये थ्योरी समझ आ रही है। देखो प्रोग्राम, जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, कोडिंग करना सबसे आखिरी काम होता है। कोडिंग ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एज अ डेवलपर आप 20% कोडिंग करते हो एज अ डेवलपर, और एज अ कंपनी 1% कोडिंग करते हो आप एज अ कंपनी। जो कंपनी में एक प्रोजेक्ट आता है ना, उसमें कोडिंग जो होती है 1% होती है कंपनी के एतबार से, क्योंकि कंपनी में एक बंदा बैठा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है, वो फाइनेंस वाले को देता है, वो एस्टिमेशन वाले को देता है, वो एस्टिमेट लगाते हैं, फाइनेंस वाले ये देखते हैं इसमें रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगी, ये वो एचआर वालों को देते हैं, ये सब जगह से घूम, ये सब जगह पेपर वर्क हो रहा होता है, सारा पेपर वर्क होता है ये। पेपर वर्क का मतलब स्ट्रैटेजी बन रही होती है, प्लानिंग हो रही होती है, सोचा जा रहा होता है कि होगा कैसे, ठीक है। सबसे आखिर में ये आता है जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा होता है, यानी कि आर्किटेक्ट के पास आता है सबसे आखिर में। ये पहले सारी डील फाइनल हो जाती है, पैसों की बात पहले हो जाती है, आर्किटेक्ट के बाद उसके बाद आता है। आर्किटेक्ट वो बंदा होता है जो फोल्डर, पहला फोल्डर बनाता है कि जी पहली HTML की फाइल या पहला JavaScript की फाइल वो बनाता है ना। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम है, कहीं पे प्रिंसिपल बोल देते हैं, कहीं पे आर्किटेक्ट बोल देते हैं, तो वो एक ही बात होता है, यानी सबसे सीनियर बंदा जो वहाँ होता है, तो वो पहला फोल्डर बनाता है। वो पूरा जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है ना, कि कौन सी फाइल किधर होगी, कंपोनेंट कैसे सजाए जाएंगे, कौन सा इसमें क्या कहते हैं डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होगा, वो सारा वो डिसाइड करके एक फोल्डर बना देता है। उसके बाद वो जाता है सीनियर डेवलपर के पास, फिर वो टास्क असाइन करता है सारे बच्चों को जितने भी अंदर बैठे हुए होते हैं, और सबको वो टिकट ट्रेलो पे बना बना के वो दे रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, उस लेवल पे भी क्या होता है, एक डेटाबेस वाला बंदा होता है। आर्किटेक्ट भी एक अकेला बंदा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, एक डेटाबेस का डिज़ाइनर अलग होता है, वो डेटाबेस पूरे पेपर पर डिज़ाइन करता है, समझ रहे हो। वो डेटाबेस का सबसे एक्सपर्ट बंदा ना सारा पेपर पर डिज़ाइन करता है कि जी ऐसे यहाँ पे होगा, ये कनेक्शन इसके साथ होगा, यहाँ से उठ के आ रहा होगा, किस जगह पे एग्रीगेशन लगेगी, किस जगह पे पॉपुलेशन लगेगी, ये किस जगह पे जो है वो ट्रांजेक्शन लगेगी, अलग अलग चीज़ें होती हैं डेटाबेस की, अलग अलग तरीके होते हैं डेटा राइट करने के। फिर वो साथ में जो UI का बंदा होता है वो भी पेपर पे करता है, वो भी पेपर पे वायर फ्रेम बनाता है कि जी ऐसे बनेगा वायर फ्रेम। वो पेपर वेपर पे जब सारा बन जाता है तो किसी एक बच्चे को पढ़ाते हैं, भाई फिग्मा बना दो इसका, बना देता है वो फिग्मा, सही है। बहुत कम ऐसे डिज़ाइनर्स होते हैं सीनियर जो डायरेक्ट फिग्मा पे बैठ जाएं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। जो नए नए होते हैं ना, वही डायरेक्ट आप कंप्यूटर पे बैठोगे कोडिंग करने, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये सारा काम पेपर पे होता है पहले, ये याद रखना हमेशा। तो एज अ डेवलपर जब आपके पास भी कोई चीज़ आती है ना, 20% कोडिंग होती है, बाकी तमाम कम्युनिकेशन, टास्क को समझना, स्टडी करना, स्टडी करके उसको डिलीवर करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कोडिंग के साथ साथ हमेशा, ठीक है। तो कोडिंग जब भी आप करने बैठो ना, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। जब तक आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं होगा ना कि आप क्या करने जा रहे हो, आपसे होगा ही नहीं कोड। आप 8-8 घंटे ऐसे बैठ के देखते रहोगे स्क्रीन को, कुछ होगा ही नहीं। आप एक चीज़ ट्राई करोगे वो नहीं होगा, दूसरा ट्राई करोगे वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट पे ना ये हिट एंड ट्राई बड़ा अच्छा होता है, एक पॉइंट पे एक ये हिट एंड ट्राई बड़ा अच्छा होता है, बड़ा कारगर साबित होता है, जब आप सीख रहे होते हो, ठीक है। आप सीख रहे हो, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ों का पता चलेगा, सही है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप ये ग्रेजुएट हो जाते हो यहाँ से, जब आप किसी बाकायदा किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आप काम कर रहे होते हो, तो आइडियली होना ये चाहिए कि आपको एक एक फंक्शन का, एक एक मेथड का जो एक्चुअल बिहेवियर है ना, वो आपको पता हो। वो पता ऐसे ही होगा कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो आपको पता हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा वो आपको। आप अच्छा, उसको रटना भी बेवकूफ़ी की बात है, कोई अगर उसको रट रहा है ना सबको, तो वो भी बेवकूफ़ी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी होगा, वो इतने सारे हैं, वो कितने कितने को रटेगा बंदा, ठीक है। जब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी ना, तो वो लाइब्रेरी यूज़ करते थे, जैसे हमने एक्सियोस करके एक लाइब्रेरी हमने पढ़ी है, बूटस्ट्रैप करके हमने एक लाइब्रेरी पढ़ी है इस क्लास में, और कौन सी पढ़ी हमने, हैं हाँ, मूवमेंट जैसे एक लाइब्रेरी पढ़ी है हमने। तो मैंने जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में प्रोग्रामिंग सीखी, तो उसमें सी लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, STDIO,
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट उनका होता है, और एक होता है कौन आए हो, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट। दो लाइब्रेरीज होती हैं जिस पे वो बेसिक सिखाते हुए इस्तेमाल होती हैं दोनों। अच्छा, तो मैं मुझे लगा यही होती है प्रोग्रामिंग, बच्चा था उस टाइम में, ये बता रहा हूँ मैं 2011 की बात बता रहा हूँ, तो मुझे लगा यही होती है प्रोग्रामिंग। तो मैंने वो STDIO ना पूरा खोल के डॉक्यूमेंट उसका, उसको पूरे को मैं रट रहा हूँ, मतलब रटने का मतलब है एक एक को मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या करता है, इसके इनपुट्स क्या होते हैं, इसके आउटपुट्स क्या होते हैं, वो पूरा मैंने उसको वो कर लिया कि जी मुझे तो पूरा आ गया। अच्छा, वो आया क्या, वो बेवकूफ़ी की बात थी। अच्छा, थोड़े दिनों में जब मैंने देखा ना कि जी वो तो इस तरह की तो और भी इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, तो मुझे पता, मुझे उस वक्त गुस्सा आया, मैंने कहा यार बेवकूफ़ बनाया हमें, लाइब्रेरी पढ़ा दी इन्होंने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बजाय लाइब्रेरी पढ़ा दी। तो बाद में पता ही चला भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यही होता है, फंक्शन इफ एल्स और ये तो यही होता है फंडामेंटल, तो बाकी तो सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप रट सकते हो, लाइब्रेरीज को कैसे रटोगे आप, लाइब्रेरीज की तो कोई लिमिट थोड़ी है, डेली बेसिस पर नई लाइब्रेरीज आ रही हैं, पुरानी ऑब्सोलीट हो रही हैं, अभी तो पता नहीं कौन कौन से यूज़ केसेस, अभी एप्पल वाले अभी ग्लास अपना लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए नया OS भी उन्होंने रजिस्टर कर लिया, पता नहीं रॉ OS नाम रखा है क्या, ROS नाम रखा है पता नहीं, उसमें बड़ा अभी इंटरनेट पे वावेला मचा हुआ है कि पता नहीं क्या उन्होंने तोप चीज़ बना दी है कोई, वो कह रहे हैं कि वो सब ख़त्म कर देगा। मैंने भी कुछ अरसे पहले अभी किसी जगह पे पता नहीं बात कर रहा था क्लास में ही शायद, तो मैंने ये जिक्र किया था कि मोबाइल फ़ोन ख़त्म होने वाला है, मोबाइल फ़ोन जो हमारे हैं ना ये वाले, ये बहुत लंबा चल गए हैं, तो ये शायद अभी ख़त्म हो जाएंगे, 20-25 साल इतनी लंबी कोई भी चीज़ नहीं चली आज तक पूरी साइंस की दुनिया में, आज तक ना जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें रेवोल्यूशन आया, जो भी गैजेट्स आए, इतना लंबा कोई नहीं चला है 20-25 साल। सन 95 में शायद आए थे पहले मोबाइल फ़ोन्स आए थे, वो अब स्मार्ट होते 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 टच होते होते पता नहीं क्या वाईफाई 6G 5G, तो वो अभी तक चल रहा है, फिर उसमें कैमरा भी आ गया, फिर उसमें सब आ गया, हाँ फोल्डेबल आ गया, लेकिन वो अब मेरा, मुझे वैसे तो बेवकूफ़ी की बात है कि यार मोबाइल कैसे ख़त्म हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ज़ाहिर है इतने दिन में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि अब मोबाइल ख़त्म होंगे, अब मोबाइल के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ये एक दूसरी डिस्कशन है। तो वो अभी तो इन्होंने एक नया OS निकाल दिया, वो ग्लास निकाल दिया, निकालने वाले हैं वो, अब उसकी ज़ाहिर है वो जो पूरी एक्सपीरियंस ही नया है, उसकी लाइब्रेरीज़ भी अपनी होंगी, उसका मोस्ट प्रॉब्ली अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो, वैसे तो स्विफ्ट पे चलते हैं, पूरा इनका इकोसिस्टम स्विफ्ट पे चल रहा है एप्पल वालों का, तो है नहीं नहीं AR के जो ग्लास हैं, जो ओकुलस वालों ने जो निकाला ना, ओकुलस रिफ्ट, नहीं नहीं यार AR VR ग्लास लिखूंगा ना मैं, ये इस तरह का मंजन है कोई, AR VR है ना ये, अब ये तो एक्चुअल में ऐसा दिखेगा या कैसा दिखेगा ये तो रिवील नहीं किया ना उन्होंने अभी, हाँ नहीं ये फेसबुक वालों का भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी एक है, और भी एक दो कंपनीज हैं जिन्होंने ये बनाया है AR VR ग्लास, तो इसको लगाते हो ना तो वर्चुअल एक मेटावर्स में आ जाते हो, वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हो, इसके गेम वेम भी बड़े हैं, वो रोलर कोस्टर वाले, वो आप लगा लो, वो रोलर कोस्टर में बंदा फिर गिरता पड़ता रहता है, हाँ नहीं मगर वो तुमने, अब तुमने लगाया तो तुम ये बात समझ सकते हो कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं अभी तक, इसको लगा के रोड पे जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, कैसे जाएगा बंदा, वो एक्चुअल दुनिया गायब हो जाती है VR में, वर्चुअल पे आ जाते हो आप, एक होता है AR ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड में क्या होता है ओरिजिनल दुनिया भी नज़र आ रही होती है, उसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं, AR और VR ये दो चीज़ें हैं, अब वो अभी अभी तो ये रिलीज होगा तो पता चलेगा इन्होंने किया क्या है, हाँ अब देखो ना, तुम एग्ज़ाम के पेपर से आगे निकलो ना यार, एग्ज़ाम के पेपर में नहीं फंसे रहो अभी तुम भाई, इनका एक एम्प्लॉई है एप्पल का ही है, वो टेस्टर्स में से है, पता नहीं कौन है वो, डिज़ाइनर है कोई, तो उसने बोला भाई आज से 10 साल पहले भी मुझे इन्होंने ग्लास लगाया था टेस्ट करने के लिए, तो मैंने उसको फेल कर दिया था, मैंने कहा कचरा बनाया तुमने ये, और कह रहा मैंने अब दोबारा जब लगाया ना अभी वाला जो वर्जन है, उसने कहा भाई मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया यार, ये क्या बना दिया तुमने, कह रहा भाई आला कर दिया, बेहतरीन कर दिया, तो डिज़ाइनर जब एक डिज़ाइनर जैसा बंदा है वो कह रहा है जब आला कर दिया तो कुछ तो है, ठीक है लेकिन अब वो रिवील करेंगे तो पता चलेगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि भाई जो आप जब भी कोडिंग करने बैठते हो तो आपको क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है कौन से फंक्शन उसमें इस्तेमाल होंगे, कौन से उसमें नहीं इस्तेमाल होंगे, आप ये करते हो, ठीक है तो
तो मैं आपको ना अभी की क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना काम करके दिखा देता हूँ कि जी वो एक डिव से ना दूसरे डिव में वो जाएगा कैसे, ठीक है। ओके अच्छा भाई, तो हमने सबसे पहले क्या बना लिया, एक अदद हमने HTML का पेज बना लिया। इस HTML के पेज में हम हेडिंग लगा लेते हैं एक अदद, इसका नाम रख देते हैं हम ट्रेलो क्लोन, सही है। और एक बना देते हैं हम डिव, ठीक है जी। और ये जो डिव है मेरा, ये डिव क्या होगा, ये एज टू एज होगा पूरा। अच्छा, और एक हम बना देते हैं, अच्छा कौन मुझे बताएगा ये HTML के, हम लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं, तो कौन मुझे बताएगा इसमें वो सिमेंटिक टैग कौन सा लगेगा, हेडिंग में कौन सा लगेगा और इसमें कौन सा लगेगा। ये हेडर हो गया, और ये वाला मेन भी लगा सकते हैं, कंटेंट भी लगा सकते हैं। सेक्शन तो इस मेन के अंदर सेक्शन होगा, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन। अलग से हम देख भी लेते हैं कि मेन ही होता है क्या होता है। हेडर के साथ ही मेन का जिक्र कर देना चाहिए था, नहीं किया इसने। सेमेंटिक एलिमेंट्स में आएगा ये, एक्चुअली ये आ गया ना मेन, लेकिन मेन को इस डायग्राम में नहीं दिखाया इन्होंने, ये क्या किया है? नहीं, सेक्शन तो मेन के अंदर होता है ना। वेल, एक एक को नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, वो होगा आर्टिकल, तो ईच ब्लॉग पोस्ट को ये कह रहा है एक आर्टिकल होगा ये। वेल, तो हमने लगा दिया, फिलहाल के लिए मेन लगा दिया हमने। अच्छा, तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था भाई, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं हम इसको एग्जैक्टली बनाने से पहले। क्या है वो ड्राइंग भाई, आ जाओ पेंट में, आ जाओ पेंट भी है। अच्छा, पेंट से भी बेहतर एक चीज़ मैंने निकाली है अभी, दैट इज़ कॉल्ड फिग्मा। फिग्मा के अंदर एक नया मंजन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है, नाम मैं भूल गया, लेकिन वो पेंट की तरह का है। अच्छा, लॉगिन क्यों करवा रहा है भाई मुझसे, अभी तो किया था मैंने लॉगिन, भूल गया मुझे ये, भूल गया बेवफा है, भूल गया। अच्छा भाई, आ जाओ भाई। अच्छा भाई, फिग्मा में क्या मंजन है गाया है नया, जैम, हाँ फिग जैम भाई। ये जो है ना पेंट का भी, ये क्या बना दिया इसने यहाँ पे, अपडेट अवेलेबल नेक्स्ट लॉन्च। अच्छा, ये सब जो पहले से इसने बनाया हुआ ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ।
ये सब कुछ अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एक आदत पेंसिल, बस सही है, पेंसिल पे करेंगे जो भी करेंगे, सही है। अच्छा एक हमारे पास जो है ना डब्बा बना लेते हैं सबसे पहले हम, अभी ये कौन से कलर का डब्बा बना रहा है, इस डब्बे का कलर कैसे चेंज होगा भाई, ये वाला ओ सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है, ये कोई दूसरा डब्बा तो नहीं है, अच्छा ये आ गया ना डब्बा, हमारा जो मतलब का डब्बा है वो ये है, सही है। ये मेरी एक स्क्रीन है, हम इमेजिन कर लेते हैं, और इस स्क्रीन का जो कलर है वो हल्का सा जो है ना मैं ग्रे कर देता हूँ, वाइट ही कर देता हूँ बल्कि, और इसके ऊपर जो है ना हल्का सा वो लगा देता हूँ मैं बॉर्डर, बॉर्डर इसमें कैसे आता है भाई, देखो पहली दफ़ा में ये होता है सीन, पता नहीं चलता क्या चीज़ किधर हो रही है, भाई थोड़ा यार थोड़ा ग्रे ही कर देते हैं, सही है ठीक है, अजीब सा लगेगा, बुरा लगेगा देखने में ग्रे, लेकिन सही है। अच्छा अब आ जाते हैं पेंसिल के पास, पेंसिल में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एक अदद ऊपर ना यहाँ पे एक सेक्शन होगा जिसमें हेडिंग लगी हुई होगी हमारे पास, उसको हम क्या देते हैं कि भाई ये हेडर होगा। अच्छा उसके बाद ये एक बाकी का एक सेक्शन होगा नीचे जो इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है, और ये नीचे से नीचे तक होगा, मतलब ये नीचे कोई लिमिट नहीं होगी इसकी। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक अदद यहाँ पे ऐसे डिव होगा, सही है, एक अदद ऐसे डिव होगा। अच्छा इसके टॉप पे एक डिव होगा ऐसे, सही है। अच्छा और इस डिव की ना मिनिमम हाइट होगी कुछ ना कुछ, इस डिव की मिनिमम हाइट हम कुछ सेट कर देंगे जिससे ये कम ना हो सके, ठीक है, ताकि अगर इसमें कोई एलिमेंट ना भी हो तो इसमें कुछ ना कुछ हमें दिख रहा हो। अच्छा इसमें मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो, अच्छा ये जो पार्ट है ना इसका, ये जो पार्ट है ये फिक्स होगा इसका, सही है, ये जो पार्ट है ये इसके साथ फिक्स होगा, ये हिलेगा नहीं, ये इसका ना मतलब हेडिंग की तरह इसके अंदर ये जुड़ा हुआ होगा, हालांकि ये अलग डिव होगा लेकिन ये जुड़ा हुआ होगा। अच्छा उसके अंदर हम छोटे छोटे डिव यहाँ पे मज़ीद ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जो कि दो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दूंगा, फिर डायनेमिकली ऐड करने की भी सेटिंग बनाते हैं हम, नहीं ऐड बटन नहीं, पहले तो एक से उठा के दूसरे में तो जाइए, हाँ अच्छा जी एक ये हो गया। इसी तरह के अब मज़ीद मेरे पास डिव होंगे जिसको मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, सिलेक्शन टूल कहाँ चला गया इसका, देख लो यार, मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे एक एक करके पकड़ना होगा इनको, सही है, वेल कुछ ना कुछ करके मैंने इसकी कॉपी बनाई है, सही है, जुगाड़ मार के इसकी मैंने कॉपी बना ली है, अबे पेंसिल पकड़ लेते हैं दोबारा से, अब सही है भाई, ये इसकी हेडिंग हो गई, और इसके अंदर भी मिसाल के तौर पे एक डिव हम डाल देते हैं पहले से बना हुआ होगा, और हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि हम यहाँ से एक डिव को पकड़ें, खींचें इसको और इधर ले जाके ऐड कर दें, अब शुरू में आखिर में अभी ये वाली चीज़ नहीं है, बस ऐड हो जाए पहले, जब इतना हो जाएगा ये मेरा समझ लो माइलस्टोन में डिवाइड कर रहा हूँ ना, पहला माइलस्टोन मैंने सेट कर ली कि ये टारगेट है मेरा पहला, वंस ही हो जाएगा फिर हम दोबारा इस ड्राइंग पे आके सोचेंगे अब आगे क्या करना है, फिर हम आगे का काम करेंगे। अच्छा तो सबसे पहले इसके ना सारे डिव बनाते हैं, इस पूरे को यूआई को पहले तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी मेरे पास कोड एडिटर मुझे चाहिए दरमियान में, और लेफ्ट पे ड्राइंग राइट पे ब्राउज़र, इस ड्राइंग को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ,
ठीक है, ड्राइंग, एडिटर और ब्राउज़र, ऐसे मैंने उसको खोला हुआ है। इस पेज को मैं क्या कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करता हूँ और इधर ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरा हेडर हो गया, ये मेरा मेन हो गया। मेन के बाद मुझे क्या करना है, मेन के अंदर मुझे दो बड़े डिव बनाना है, राइट। ये दो बड़े डिव जो हैं, ये दोनों, मैंने कहा एक डिव ये हो गया और उसके नीचे एक डिव ये हो गया। अच्छा, अब पहले डिव की हम बात करते हैं। अच्छा, इनका कुछ ना कुछ नाम भी मैं रखता जाऊँगा। इसका मैं नाम रख देता हूँ कॉलम। ये वाला जो पूरा डिव है ना, ये वाला, इसका मैं नाम रख देता हूँ भाई कॉलम है, सही है। इसका मैंने नाम रख दिया कॉलम, नाम रख दिया इसका मैंने, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसके नीचे वाला भी जो है वो भी कॉलम है, तो ये भी कॉलम हो गया। तो मेरे पास ये दो कॉलम तैयार हो गए। अब हर कॉलम के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक एक अदद इन कॉलम की हेडिंग्स, ठीक है। तो मैं कॉलम के अंदर जो पहला डिव बनाता हूँ सबसे, उसको मैं क्या क्लास दे देता हूँ, अच्छा इसके अंदर कुछ बात भी लिख देता हूँ। मैंने कहा कि यार टू डू कह देते हैं मैं उसको, बाई डिफ़ॉल्ट टू डू हेडिंग आ रही है। और इस वाले में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या आ रहा है, इन प्रोग्रेस, सही है। लेकिन इन दोनों डिव को मुझे कोई ना कोई क्लास असाइन करनी है, और वो क्लास क्या होगी, सो कॉलम डैश हेडिंग, सही है। क्या कॉलम के ऊपर जो हेडिंग मौजूद है ये वो है। अच्छा, कॉलम के ऊपर मौजूद हेडिंग के बाद अब जो अगला डिव मैं इसमें बनाने लगा हूँ, ये क्या होगा, इसका कॉलम के अंदर मौजूद टिकट्स होंगे मे बी, तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ टिकट, सही है। अच्छा, इसको मैंने क्लास दे दिया, मैंने कहा भाई टास्क वन इसके अंदर लिखा हुआ होगा और इसके ऊपर जो क्लास होगी दैट इज़ कॉल्ड टिकट। तो पहले वाले में तीन टिकट, सही है, पहले वाले में तीन टिकट है और दूसरे वाले में एक टिकट है। तो ज़रा दूसरे वाले में एक टिकट है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, क्योंकि अभी ये दिख रहा है कुछ ऐसा, सही है, ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए ना इसको, थोड़ी इसको स्टाइलिंग दे देते हैं हम। तो सबसे पहले जो मैं स्टाइलिंग दूंगा वो मैं किसको दूंगा, मैं इस हेडर को दूंगा स्टाइलिंग, ठीक है। इस हेडर को कोई ना कोई छोटा मोटा कलर दे देते हैं, इसको मैं क्लास दे देता हूँ ऐप हेडर है ये, सही है। क्योंकि हो सकता है मैं हेडर का टैग का इस्तेमाल मैं कहीं और भी करूँ, तो बेहतर ये है कि मैं स्टाइलिंग हमेशा क्लास के ज़रिए दूँ या आईडी के ज़रिए दूँ। टैग नेम को मैं कोशिश करता हूँ कि कम इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। ख़ास तौर पे रूट लेवल पे अगर कोई चीज़ है तो उसको आईडी या क्लास के ज़रिए ही हेडिंग दिया जाए, ठीक है। वंस मैं अभी कॉलम पे पहुँचूँगा ना, तो कॉलम के अंदर वाले जितने हैं उन सबको मैं टैग नेम से ही सेलेक्टर लगा लगा के स्टाइलिंग दूँगा। तो आ जाते हैं जी, यहाँ पर मैं स्टाइल एक बना लेता हूँ। वैसे असूलन स्टाइलिंग जो अलग फाइल में करनी चाहिए, लेकिन मैं सेम फाइल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाते वक्त मुझे कन्वीनियंट रहता है कि एक ही फाइल को ऊपर नीचे कर लूँ। दूसरी बात ये है कि जब अलग स्टाइलिंग की फाइल होती है ना, तो वो बड़े कोड बेस में हेल्पफुल रहती है, लेकिन क्लास में हम इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखते आमतौर पर। क्लास में हम कोड थोड़ा सा लिखते हैं, इसलिए भी ये इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग अलग फाइल बनाएंगे स्टाइलिंग की, ये पढ़ाने के परस्पेक्टिव से मैं इसको सेम फाइल में बना रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने क्लास का नाम यहाँ पे रख दिया ऐप हेडर, और इसके अंदर अब मैं स्टाइलिंग क्या लगाऊंगा, फ्लेक्स, नहीं क्या मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत है, असल में करना ही है मुझे साइड बाई साइड करना है। अब जल्दी बताते जो कौन कौन सी इसमें स्टाइलिंग लगेगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट जो लगता है ना मेरा बच्चा, वो लगता है पेरेंट पे, जस्टिफाई कंटेंट जो लगता है ना वो लगता है पेरेंट पे, सही है। थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट जो हमेशा पेरेंट पे लगता है, चाइल्ड पे नहीं, ये तो आइटम इटसेल्फ ये खुद है। पक्का नहीं पता है, कन्फर्म नहीं पता है, तुक्के लग रहे हैं, हाँ सही है। तो ये समहाउ ये हो गया है, ठीक है। ये इस वजह से नहीं हुआ, सेंटर करने की वजह से, ये सेंटर हटा दूंगा, जब भी ये सेंटर में ही रहेगा, सही है। अच्छा नहीं, ये इसके आइटम अंदर वाले तो आइटम अलग है ना, सही है, सेंटर लगाना ज़रूरी, जिससे ये अंदर का आइटम सेंटर हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्लैक्स लगाता हूँ ना,
तो नहीं, अगर मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हटा दूं तब भी तो पूरे पे ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर H1 लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स इसमें हम लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा एजेस उसके जो है ना वो हो जाए। वेल सही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से इसके अंदर मौजूद जो एक अदद H1 है वो सेंटर हो रहा है, ठीक है। सही है, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने इस पर लगा दिया और जस्टिफाई कंटेंट लगा दिया, ऊपर का मसला हल हो गया मेरा, ऊपर मुझे इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। नहीं, वो पैडिंग वैडिंग तो थोड़ी बहुत है, अभी नीचे आएगा तो हम देखते हैं, नीचे वाले को पैडिंग देते हैं। अच्छा, अब अगला माल हमारे पास जो है वो मेन है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक अदद क्लास दे देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं ऐप मेन, सही है, ऐप डैश मेन इसका नाम दे दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मुझे इस ऐप डैश मेन पे कुछ लगाने की ज़रूरत है कोई स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर के अलावा? बैकग्राउंड कलर मैं इसको यही वाला दे देता हूँ, कोई बड़ा वाहियात किस्म का बैकग्राउंड कलर चूज़ किया मैंने, लेकिन चलो फ़िलहाल के लिए सही है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मार्जिन देने की ज़रूरत है टॉप से ताकि ये ऊपर वाले से अलग हो जाए, ठीक है। मैंने कहा जी मार्जिन टॉप, वन EM दे दिया मैंने, सही है, ताकि ऊपर वाले से थोड़ा अलग हो जाए। अच्छा, और पैडिंग भी थोड़ी दे देते हैं इसको हम, ताकि इसके अंदर जो मज़ीद डिव आने वाले हैं वो थोड़े थोड़े अंदर की तरफ रहें। पैडिंग मैंने दे दिया इसको 2 EM, सही है, पैडिंग हो गई इसकी है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? मेरा ख्याल है अब काफ़ी हो गया, इसमें और तो कुछ नहीं लगाना मुझे। अब इसके अंदर मौजूद जो मेरे पास कॉलम्स हैं, जो ठीक है कॉलम्स जो मेरे पास हैं, अब मैं देखो इस कॉलम को कैसे लगाऊंगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ना डॉट कॉलम, सही है, लेकिन ऐसे लिखना मुनासिब नहीं है। इसको ज़्यादा मुनासिब तरीका इसको लिखने का ये है कि मैं लिखूं ऐप मेन डॉट कॉलम, ऐसे करके कि भाई इस ऐप मेन के अंदर जो कॉलम है। इस करने का बेनिफिट ये होगा कि अगर मैंने ऐप के किसी और पेज में या किसी और जगह पे अगर मैंने कॉलम इस्तेमाल किया होगा तो वो इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने अब क्या कर दिया, ऐप मेन के अंदर डॉट कॉलम लगा दिया इसके, ठीक है। या मैं इस पर ID भी दे सकता था, कोई ID से कर देता तो वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है फिर। नहीं, ये डिसेंडेंट है, देखो ग्रेटर देन जो है ना वो चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड, और ये जो है वो डिसेंडेंट है कि इसके अंदर के अंदर के अंदर कहीं भी टकरा जाए तो हो जाएगा, सही है। ये डिसेंडेंट सेलेक्टर लगा हुआ है इस वक्त जो यहाँ लगा हुआ है। अच्छा जी, अब मुझे इस पे क्या करना है, इसको मुझे एक अदद देनी है विड्थ। पहले तो बैकग्राउंड कलर देते हैं ना, इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं येलो नहीं, थोड़ा इसको थोड़ा कम येलो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ येलो हो गया ये, सही है। एक तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया येलो। दूसरा काम मुझे क्या करना है, मैं वापस इस ड्राइंग में आता हूँ। इस ड्राइंग में मेरे पास एक विड्थ है इसकी, एक फिक्स विड्थ है इसकी, ठीक है। तो फिक्स विड्थ मैं इसको दे देता हूँ कि जी इसमें जो है ना 20 कैरेक्टर्स आ जाएँ, इतनी विड्थ मैंने देनी है। तो 20 कैरेक्टर जितनी विड्थ देने का मतलब है कि मैं इसको दूंगा विड्थ 20 EM, सही है। तो 20 कैरेक्टर जितनी मैंने इसको विड्थ दे दी, रिफ्रेश, ठीक है, 20 कैरेक्टर जितनी विड्थ हो गई इसकी। अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है कि इसको एक हाइट भी देनी है कि जी इतने हाइट से छोटा कभी भी ना हो ये, तो मैं इसको दूंगा मेन हाइट, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ हाइट दे दूंगा तो ग्रो नहीं करेगा, ग्रो करना रुक जाएगा। तो मेन हाइट मैं इसको दे देता हूँ कि जी आप ना कम से कम 4 लाइनों से कम ना हो, तो मैं इसको दे देता हूँ 5 EM, सही है, 5 लाइन कर दिया मैंने, चलो ठीक है। ये मैंने इसको मिनिमम हाइट दे दी। अच्छा, अभी ये असल में दो एक साथ चपके हैं इसलिए फील नहीं करा रही है, तो अभी इसको अलग अलग। अच्छा, इसमें बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं थोड़ा, ताकि गोल मटोल हो जाए। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है। ये दो अभी अलग अलग हैं, अब आपको फील हो रहा होगा ये दो
ऊपर और नीचे एक दूसरे से चपके हुए, इसको मुझे लाना है साइड बाई साइड। हाँ, तो इसको साइड बाई साइड लाने के लिए इसके पेरेंट को बताना पड़ेगा कि आपने बच्चों को संभालो। सही है, तो ऐप मेन के ऊपर जाके मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद अभी देख लेते हैं, पहले एक कुछ एक और भी लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया, अच्छा मार्जिन लगेगा थोड़ा इसके ऊपर, मार्जिन के लिए लेकिन एक चीज़ मौजूद है, गैप। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे उसको ना फ्लैक्स लेफ्ट करना पड़े, फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट को लेफ्ट करना पड़े मुझे शायद, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होता है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये गैप लगा देते हैं इसमें, फ्लैक्स गैप जो है वो पेरेंट पे लगता है ना, सिर्फ गैप है। गैप मैंने दे दिया 1 EM दे दिया, सही है, गैप आ गया थोड़ा सा। हाँ पैडिंग अब अंदर इसको चाइल्ड को आगे देंगे हम। अच्छा चाइल्ड पे आके मैंने इसको दे दी भी पैडिंग, पैडिंग दे दिया मैंने 0.5 EM। अच्छा EM जो हम लिख रहे हैं, कोई बता पाएगा कि EM में और पिक्सल में क्या डिफरेंस था, हमने पढ़ा था क्लास में। हाँ भाई नहीं होता तो है, लेकिन हम लगाते क्यों हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया कि ये क्योंकि 1 EM के बराबर होता है 1 EM, ठीक है, तो ये कौन से 1 EM के बराबर होता है, जो बॉडी का डिफ़ॉल्ट साइज़ है, बॉडी का डिफ़ॉल्ट साइज़ 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो अगर कभी भी ब्राउज़र में बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं ऐसे जिससे आप साइज़ पूरे डॉक्यूमेंट का छोटा बड़ा कर सकते हो, तो वो बॉडी का साइज़ छोटा बड़ा करता है। तो जब आप बॉडी का साइज़ छोटा या बड़ा करोगे तो ये मार्जिन पैडिंग भी साथ साथ ग्रो और श्रिंक होंगे उसके, ना साथ साथ बढ़ेंगे और कम होंगे। अगर इसको मैं पिक्सल में दूंगा तो वो साथ साथ ग्रो नहीं करेंगे, तो ये भी मुझे जहन में रखना है कि कौन सी चीज़ को मैंने, अगर फॉन्ट बड़ा होता है तो किस चीज़ को मैंने साथ साथ बड़ा कराना है और किस चीज़ को मैंने फिक्स करना है, फॉन्ट बड़ा छोटा होने पे उसको चेंज नहीं करना। तो डिपेंडिंग ऑन दैट मैं कहीं पे EM और कहीं पे पिक्सल का इस्तेमाल करूँगा। अच्छा अब बारी है जी, ये तो गोल मटोल तो ये हो गया, अब ये टू डू जो लिखा हुआ है ना, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इसको एज अ हेडिंग शो कराते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। अब ये जो टू डू है ना, इसके अंदर लगा हुआ है कॉलम हेडिंग, सही है। तो मैंने कहा कि जी ये कॉलम आ गया डॉट कॉलम हेडिंग, ठीक है। देखो मेरा सेलेक्टर थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन 2-3 स्टेप तक ले जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है सेलेक्टर को ना, खास तौर पे अभी तो ये बहुत छोटा सा कोड बेस है, अभी तो ये 400-500 लाइन से ज़्यादा का नहीं होगा जो हम अभी जो कोड लिखने जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका बड़ा कोड बेस होता है ना, तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको बहुत हेल्प आउट करती है, और ये रेकमेंडेड है कि भाई आप सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करो। डायरेक्ट आईडी से टारगेट करना बहुत गलत बात है, ठीक है, डायरेक्ट आईडी से टारगेट आपने नहीं करना होता। अच्छा तो अब ये मैंने हेडिंग लगा दिया, इसका सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज़ क्या करूँगा, बड़ा करूँगा। फॉन्ट साइज़ में इसका क्या लगा दूंगा, 1.5 EM, सही है, कि जो भी बॉडी का साइज़ है उसका 1.5 हो जाए। बॉडी का साइज़ जब चेंज होगा तो ये भी साथ साथ बढ़ेगा, तो 1.5 कर दिया मैंने, क्योंकि 2 EM जो होता है वो H1 का साइज़ होता है, जो 2 EM होता है ना वो H1 का साइज़ होता है, तो मुझे H1 जितना बड़ा नहीं करना, H1 जितना बड़ा करूँगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा जितना ये हेडिंग लगा हुआ है, तो मुझे इतना बड़ा नहीं करना, मुझे थोड़ा इससे कम ही रखना है, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है जी। अच्छा थोड़ी सी मुझे लग रहा है पैडिंग शायद मुझे और चाहिए, पैडिंग मैंने कम कर दी है इसकी, ओके पैडिंग को मैं पूरा 1 EM कर देता हूँ, पैडिंग ना थोड़ी कम है, सही है, पैडिंग थोड़ी बढ़ गई। अच्छा अब मुझे सिर्फ इतने पार्ट को क्या करना है, दरमियान में लाना है, क्या इसको मुझे दरमियान में लाने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है नहीं है। अच्छा अब मुझे क्या करना है जी, ये टू डू तो हो गई, इसकी हेडिंग हो गई, अब ये नीचे वाले जो है ना इसको कैप्सूल शेप दे दे के इसको मुझे नीचे वाले को डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ तक का काम मेरा हो गया है। ये नीचे वाले जो अब टिकट्स है ना, अब इन पे मुझे कुछ स्टाइलिंग देनी ताकि ये कैप्सूल शेप में आ जाए। अच्छा आ जाते हैं जी, अब ये हेडिंग हो गया मेरा, और अब हेडिंग के साथ साथ मैंने कह दिया कि भाई
टिकट, सही है। अच्छा टिकट का जो फॉन्ट साइज़ है उसको मुझे छेड़ना नहीं है, टिकट का फॉन्ट साइज़ जो है वो जो बॉडी का साइज़ है वही रहेगा। अच्छा सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर देना है मुझे, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ कि वाइट, सही है। और वाइट को मैं थोड़ा सा ऑफ़ कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने ऑफ़ कर दिया इसको, सही है, पूरा वाइट नहीं रखा, थोड़ा सा ऑफ़ कर दिया। देखते हैं जी कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। थोड़ी पैडिंग देते हैं इसमें ताकि अपनी दीवारों को ये छोड़े। सही है, पैडिंग इसको देते हैं हम 1 EM पूरा, ठीक है, ये 1 EM पैडिंग आ गई। थोड़ा सा इसको मार्जिन भी देना पड़ेगा ताकि हेडिंग से थोड़ा नीचे आ जाइए और आपस में भी थोड़ा दूर दूर हो जाए। मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ साइडों से भी, साइडों से तो सही है, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम चाहिए इसको। मार्जिन टॉप 0.5 EM और मार्जिन बॉटम भी यही। अच्छा इसको मैं वो क्लॉक वाइज भी दे सकता था, क्लॉक वाइज वाला वो 4 नंबर, बट मुझे ना टॉप और बॉटम अलग अलग ज़्यादा सही लगता है, मतलब अलग अलग लिखा हुआ ज़्यादा सेंसिबल लगता है, ज़्यादा रीडेबल फील होता है। ठीक है जी, ये दूर दूर हो गया आपस में। अब इसको थोड़ा थोड़ा बॉर्डर का रेडियस भी दे देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कलर सिलेक्शन हमने काफ़ी वाहियात की है लेकिन कलर सिलेक्शन मैंने असल में इस हिसाब से किए कि प्रोजेक्टर पे आपको ये डिफरेंस दिखे कलर का ना, वरना वो प्रोजेक्टर पे ना दिखता कुछ और है और इधर कुछ और होता है। अच्छा भाई बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं हम 5 पिक्सल का, सही है, 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस मेरे ख्याल है काफ़ी है, गुड इनफ है। नहीं हो गया ना ये, मतलब कैप्सूल का मतलब वो बिल्कुल गोल नहीं करना था, बिल्कुल गोल नहीं करना है इसको, इतना सही है। अच्छा अब मेरा ख्याल है कि ये मेरी UI तैयार हो चुकी है। कितनी देर में हमने UI तैयार कर ली है, शायद 30 मिनट्स में हमने, नहीं 30 मिनट नहीं, 15 मिनट तो हमने बातें की हैं, तो 10 मिनट या 15 मिनट में हमने ये UI तैयार कर ली है। अब हमने इसके अंदर लगाना शुरू करनी है JavaScript, ठीक है। तो अच्छा मुझे इसको ऐसे भी मिनिमम विड्थ देनी है। वेल ट्रेलो में जब ये बिल्कुल छोटा होता है तो क्या होता है, कुछ होता है, स्क्रॉलेबल हो जाता है आई थिंक वो, हाँ। तो मुझे इसको ना मिनिमम विड्थ मुझे इसको देनी है प्रोग्रेस वाले को ना, जो मैंने दी है ना, ये मेन विड्थ जो मैंने दी है ना, कहाँ पे दी है मैंने, ये रहा विड्थ, हाँ ये ना कॉलम, ये मेरा कॉलम है, इसको जो मैंने दी है विड्थ वो दी है 20 EM। अब 20 EM देने के बाद ना मैं ये चाहता हूँ कि इससे छोटा ना हो, तो ये कैसे होगा काम, नहीं नहीं मेन विड्थ तो चलो मैंने लगा दी, मेन विड्थ, हाँ मेन विड्थ से हो गया काम, हाँ नहीं सही है सही है, मेन विड्थ से हो गया काम ये वाला, सही है। आप ओवरफ्लो अब लगाना है इसके अंदर, हमें ओवरफ्लो अब हमें लगाना है स्क्रॉल इसमें, ताकि क्या हो ये इससे छोटा ना हो, विड्थ इसकी, विड्थ इसकी थोड़ी कम कर देते हैं हम, 20 से इसको क्या कर देते हैं 18 कर देते हैं मे बी, सही है। और इसके पेरेंट पे अब ओवरफ्लो लगा देते हैं हम स्क्रॉल, इसका पेरेंट कौन है भाई, ये हमें दिख रहा है इधर ही कि ऐप मेन है, इसके पेरेंट को हम बोल देते हैं कि जी आपका जब होगा ना ओवरफ्लो एक्स पे जब होगा तो आप इसको कर देना स्क्रॉल कर देना। अच्छा मेरे ख्याल से ऑटो करना शायद ज़्यादा मुनासिब रहेगा, वरना वो शुरू में भी जो है वो दिखा रहा होता है। अच्छा नहीं शुरू में तो अभी भी स्क्रॉल बार दिखा रही है। वेल हाँ गॉट इट, सही सही, वो स्क्रीन छोटी हुई भी थी, सही है। अगर शुरू मैं स्क्रॉल लगा दूंगा अगर, तो वो शुरू में ही स्क्रॉल बार दिखा देता है। ऑटो लगाने का बेनिफिट ये है कि शुरू में नहीं दिखाएगा, जब कभी स्क्रीन छोटी होगी जब दिखाएगा मुझे स्क्रॉल बार, ठीक है। तो मेरी UI में शायद अब कोई ऐसा इशू नहीं है, ये फ़ोन पे भी अब ये सही चलेगा, मतलब खुलेगा सही है ये UI जो है ना मेरा, ये फ़ोन पे भी सही खुलेगा। अच्छा अब इस पर हम ज़रा JavaScript शुरू करते हैं कुछ लगाना, सही है जी। स्टाइलिंग मेरी कंप्लीट हो गई, JavaScript में कहाँ पे लगाता हूँ, बॉडी के लास्ट में। अच्छा जी तो यहाँ तक UI का तो हमारा हो गया, एक माइलस्टोन पूरा हो गया, अब आगे क्या करना है वो ज़रा हम पहले डिसाइड कर लेते हैं।
हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम इसके ऊपर पकड़ें, इसको क्लिक करें, क्लिक करने पे इस ऑब्जेक्ट को हम सेव कर लें कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, और उसको पकड़ के हम जहाँ पे भी छोड़ें वो पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने उस पर अपेंड कराना है, सही है, ऐसे उठा के यूँ ला के छोड़ देंगे, तो ये वाला काम मुझे सबसे पहले करना है। अच्छा, इसमें अब एक मेरे पास चीज़ है जिसको हम कहते हैं ड्रैगेबल, सही है। अच्छा, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ड्रैगेबल क्या मैं CSS के ज़रिए लगा सकता हूँ टिकट के ऊपर, ना मैंने जितने भी टिकट्स हैं ये ड्रैगेबल होने चाहिए, तो मैं ज़रा इधर आता हूँ टिकट पे और मैं इसको नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये ड्रैग इसके ऊपर CSS के ज़रिए नहीं लगा सकता मैं ड्रैग, सही है, ये मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। सही है, अच्छा इसको ट्रू ना भी लगाएं, सिर्फ हम ड्रैगेबल भी लिख दें ऐसे तो भी सही हो जाएगा ये। ट्रू लगाना ज़रूरी है क्या? हाँ ट्रू लगाना ज़रूरी है भाई, वो रिक्वायर्ड वाला हिसाब नहीं है इसका कि बगैर ट्रू लगाए भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जी मेरे माउस के साथ तो घूमने लग गया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब क्या इसमें ये काम हो सकता है, क्योंकि ट्रेलो में जब इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा ड्रैग नहीं होता, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो क्या वो स्टाइलिंग में ड्रैगेबल के ज़रिए लगा पाऊँगा? अभी देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी जो पहला माइलस्टोन है उससे हमें हटना नहीं है, इसको कहते हैं फोकस करना, तो फोकस अभी हमारा पहला माइलस्टोन है, वंस वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हमने इसको ना थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा टेढ़ा हो जाइए, क्योंकि ट्रेलो में क्या होता है टेढ़ा होकर जाता है थोड़ा, सही है, ऐसे यूँ जाता है जैसे शवाटर बच्चे नहीं हमारे यूँ चलाते हैं भाई, वैसे यूँ होके जा रहा होता है ये, तो फिर उसका करते हैं कुछ, वो लेगा भी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे किस पे लगाना है, अच्छा अब एक तो यार सीन ये होता है ना कि मैं एक आईडी से उठाता हूँ एक एलिमेंट को और उसके ऊपर मैं एक इवेंट लगा देता हूँ, अब इस केस में मुझे इवेंट जो पकड़ना है वो किसका पकड़ना है, इन तीनों का पकड़ना है और इस टिकट का भी पकड़ना है, इन चारों डिफ के ऊपर मुझे एक साथ इवेंट लगाना है। हाँ भाई, कैसे किया ये काम है? क्वेरी सेलेक्टर से, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल वो तो एरे दे देगा, फिर लूप चलाना है उसके ऊपर, नहीं तुम लोगों ने कैसे किया ये काम, जो कर चुके हैं उनसे पूछ रहा हूँ, चार लोगों ने कर लिया ना। देखो मैं तो उठाऊंगा जब ये सारे एलिमेंट हो तो मुझे तो एरे में वो सारे एलिमेंट दे देगा, अब क्या मैं ये करूँ कि लूप चला के सब पे इवेंट रजिस्टर करूँ, या इसका कोई शॉर्टकट भी है कि मैं सिर्फ नाम लिख के कर दूँ और सब पे रजिस्टर हो जाए ऑटोमेटिक? भाई एक तो ये तरीका होगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर करके इसमें ऑल वाला जो होता है ना, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर मैं आके लगा दूँ ये हैश, ओ सॉरी हैश नहीं, ये डॉट टिकट। मैंने कहा भाई टिकट के नाम से जितने भी क्लास है ना मेरे पास सारे उठा के ले आओ, वो एरे दे देगा मुझे लाके, है ना, जो गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम या गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, उस तरह से मुझे ये एक ला के दे देगा। मैंने कहा कि जी लेट ऑल टिकट्स, एक तो ये पकड़ में आ गया। अब एक तरीका ये है कि मैं इस ऑल टिकट्स के ऊपर लूप चलाऊं और डॉट डॉट करके सबके ऊपर इवेंट लिसनर रजिस्टर करूं, और एक कोई ऐसा तरीका भी है इसके अलावा कि मैं एक ही साथ नाम लिख दूँ और उस पर रजिस्टर कर दूँ। इसको गूगल कर लेते हैं वेरी क्विकली, रजिस्टर इवेंट लिसनर ऑन मोर देन वन एलिमेंट, सही है, देखते हैं ज़रा किसी ने कोई सजेस्ट किया हुआ है क्या, मल्टीपल एलिमेंट का किसी ने ये सजेस्ट किया हुआ है कि कैसे होगा? ये तो एक वाले में ना क्वेरी सेलेक्टर तो एक आ गया, अच्छा अब मल्टीपल, हाँ फॉर ईच लगा रहा है ये, और
क्वेरी सेलेक्टर दिस 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 डॉट अनदर फॉर ईच लगा रहा है इसमें भी. और कोई आसान तरीका, बॉडी डॉट इवेंट लिसनर डॉट क्लिक इवेंट इफ़ टारगेट डॉट. अरे ये तो बहुत बेहतरीन बात की इसने, ये तो बहुत बेहतरीन बात की इसने. इसने कहा कि यार आप ये करो कि आप लगाओ बॉडी के ऊपर इवेंट लिसनर, आप बॉडी पे लगाओ और बॉडी पे जब क्लिक होगा तो ना सिर्फ आपको बॉडी मिलेगी बल्कि इस वक्त कर्सर कहाँ है वो भी तो मिलेगा, तो उससे उठा लो आप. तो इस तरह क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट पे इवेंट लिसनर लगाना नहीं पड़ेगा. हाँ ये तो सही बात की इसने. इवेंट डॉट टारगेट डॉट इज़ नॉट इक्वल टू एलिमेंट वन, इवेंट डॉट टारगेट डॉट दिस 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 एलिमेंट टू. मेरे केस में क्लास लगी हुई है उस पर ना, मेरे केस में क्लास लगी हुई है, तो जब बॉडी पे क्लिक होगा तो ना सिर्फ मुझे बॉडी मिलेगी बल्कि कर्सर अभी कहाँ है मुझे वो बात भी मिलेगी. तो मैं उसको उठाऊंगा कि कर्सर अभी जाए और उसका क्लास चेक करूंगा कि क्या इसकी क्लास टिकट है, तो मैं एक्शन लूंगा, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दूंगा, है ना. थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये काम, लेकिन एक दो और सजेशन देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं. हाउ टू एड मल्टीपल इन अ सिंगल लाइन, हाँ ये भी एक सजेशन देख लेते हैं. सही है, एलिमेंट वन एलिमेंट टू, और कह रहा है दोनों पे मुझे ये इवेंट रजिस्टर करना है. सही है, यही केस है हमारा भी. डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर ई डॉट पाथ नेम जीरो डॉट माई एलिमेंट. हाँ इसने बिल्कुल वही वाली बात की है कि जी आप ना डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा दो और पकड़ लो आप इवेंट के अंदर कि ये क्या कहते हैं क्लास नेम उस पर क्या लगा हुआ है इस वक्त. हाँ हाँ आ जाओ भाई, यही करना है हमें, ये हमने लगा दिया. अच्छा ये कह रहा है भाई जब आप क्लिक का इवेंट लगाओगे ना डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, इवेंट डॉट पाथ जीरो करके उसकी आईडी मिलेगी, उसका टैग नेम मिलेगा, उसका क्लास नेम मिलेगा. तो हम इन तीनों को क्या कर देते हैं, इन तीनों को ज़रा कंसोल करा के देखते हैं कि इसमें मिल क्या रहा है, एक्चुअल हमारे केस में क्या मिल रहा है. सही है, ये दोनों तीनों चीज़ें जो मिलती थी ना तीनों को मैंने कंसोल करवा दिया. अब ज़रा देखते हैं क्या मिलता है किसमें, आ जाओ भाई कंसोल पे आ जाओ. और अब मैं क्या करता हूँ जब टास्क वन, अच्छा ये तीनों में टास्क वन क्यों लिखा हुआ है, एक में टास्क टू करते हैं ना, इसमें थ्री करते हैं और इसमें फोर करते हैं. ठीक है सही हो गया. अच्छा अब मैं टास्क वन पे जब क्लिक करता हूँ तो ये क्या कहता है मुझे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड ज़ीरो. इसको तो ज़ीरो मिल ही नहीं रहा ये वाला. सही है, सिर्फ इवेंट को ज़रा हम रजिस्टर करवाते हैं, इवेंट डॉट पाथ को. अच्छा जैसा कि हमें पता है इवेंट का ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़ा चौड़ा होता है तो उसको पूरे को, अच्छा इवेंट डॉट पाथ ही नहीं मिल रहा मुझे, ये क्या चक्कर है यार, मैंने सही तो रजिस्टर किया है गलत कर दिया गया. डॉट क्लिक फंक्शन इवेंट सब कुछ तो सही है, इवेंट भी नहीं मिल रहा क्या. अच्छा इवेंट तो मिल रहा है, जब मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो मुझे इवेंट तो मिलता है. इवेंट को खोल के देखते हैं अब इवेंट में पाथ है कि नहीं है, क्योंकि उस जवाब में उसने बोला इवेंट डॉट पाथ करके आपको मिलेगा कि अभी जिस पे क्लिक हुआ है वो कहाँ पर है. अच्छा इवेंट डॉट पाथ तो इसमें नहीं है. इवेंट डॉट टारगेट में मुझे मिल रहा है डिव डॉट टिकट, इसके ज़रिए मैं पकड़ सकता हूँ. अच्छा तो मैं कैसे करके पकड़ूंगा इसको, इवेंट डॉट एस आर सी एलिमेंट या इवेंट डॉट टारगेट, मेरा ख्याल है इवेंट डॉट टारगेट करके भी मिल रहा है मुझे. हाँ इवेंट डॉट टारगेट कर देता हूँ इसको पहले मैं. सही है, देखो ऐसे करके मैं अभी इवेंट के ऑब्जेक्ट को अगर एक्सप्लोर करके ना
ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो मकसद का माल है वो कहाँ है। अबे यार टारगेट पर तो ये ऐसे दे दिया इसने, नहीं वो एज अ इवेंट एज अ एलिमेंट उसको जो है ना प्रिंट कर दिया उसने, ये हुआ है गड़बड़। एज अ एलिमेंट उसको प्रिंट कर दिया ना, तो मुझे यहीं से ही एक्सप्लोर करना होगा। टारगेट के अंदर जाके मुझे क्लास कहाँ मिलती है वो देखना चाह रहा हूँ मैं, जहाँ मुझे क्लास मिल गई बस उसी से मैं पकड़ लूँगा उसको। क्लास क्लास ये रहा, क्लास नेम टिकट, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम, ये मुझे पकड़ में चाहिए। डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम, सही है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओए अच्छा रिफ्रेश नहीं किया मैंने उसको। टिकट टिकट मिल रहा है मुझे, अच्छा नीचे वाले को ज़रा रोक देता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब मैं टिकट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे टिकट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्लास नेम में। ये 78 पे क्या चीज़ है यार, 78 पे तो कुछ भी नहीं है, मैंने रोक दिया सबको। अच्छा वो पुराना कोड चल रहा था। अच्छा अगर मैं लेकिन क्या करूँ, अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो भी मुझे मिल तो रहा है। जी अभी भेज, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ जब भी मुझे मिल रहा है। अच्छा लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ इधर तो कॉलम हेडिंग मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है। इधर करता हूँ तो कुछ और मिल रहा है, इधर करता हूँ तो कुछ और मिल रहा है, ठीक है। ये तो काम मेरा हो गया, एलिमेंट पकड़ में आ गया। अब मैं किसी भी टिकट पे क्लिक मारूंगा, टिकट करके मुझे मिल रहा होगा ये। अच्छा अब क्या करना है मुझे, जैसे ही इस पर क्लिक करके मैं खींचता हूँ इसको, ड्रैगेबल तो इस पर लगा हुआ है तो ये वो विजुअली वो दिखा देता है मुझे। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इस इवेंट डॉट टारगेट को, यानी कि जो पूरा का पूरा एलिमेंट है, उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कराना है, सही है। उसको मैं क्या कर देता हूँ, लेट, मैंने कहा कि ऑन द मूव एलिमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू, शुरू में नल रख देता हूँ इसको या अनडिफाइंड रख देता हूँ। नहीं 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 देखो समझो बात को, मैंने किया क्या है, मैंने इवेंट लिसनर जो लगाया वो डॉक्यूमेंट पे लगाया है कि पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी क्लिक हो मुझे वो क्लिक ला के दो आप, मुझे क्लिक मिल जाता है। अच्छा लेकिन उस क्लिक में ना सिर्फ वो एलिमेंट मिलता है जिस पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो क्लिक किया ना मैंने, तो ना सिर्फ डॉक्यूमेंट मिलेगा मुझे बल्कि जिस जगह पे कर्सर था मेरा, जिस जगह पे मेरा कर्सर था उसके नीचे जो एलिमेंट था वो भी मिल रहा है मुझे। तो मैंने उस एलिमेंट को पकड़ लिया, वो एलिमेंट मुझे कहाँ मिल रहा है, इवेंट डॉट टारगेट करके मिल रहा है। और उस इवेंट डॉट टारगेट पे मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो क्लिक है ना जो हुआ है वो उसी वाले एलिमेंट पे हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि जी इफ़, अच्छा पहली बात मुझे ये क्लिक नहीं लगाना, यहाँ पे मैंने लगाना है माउस डाउन, माउस डाउन लगाना है ना मुझे, क्योंकि क्लिक तो छोड़ने के बाद मिलता है क्लिक, मुझे माउस डाउन लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे माउस डाउन जैसे ही करूँगा ना मुझे ये मिल जाएगा। तो माउस डाउन पे ये ड्रैग तो ये हो रहा है ये वाला, लेकिन अगर मेरा माउस इधर क्लिक करके ड्रैग किया है तो ना ड्रैग हो रहा है ना मुझे एक्शन लेना है कोई, यहाँ पे जब हो ना जब ही मुझे एक्शन लेना है। तो अब देखो मैं करके आ रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊँगा कि इफ़, सही है, इफ़ टारगेट डॉट इवेंट डॉट क्लास नेम इक्वल्स इक्वल्स अगर हो टिकट के, जब ही करो अदरवाइज कुछ भी ना करो। ये नीचे के सारे आइटम उड़ा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, सही है। इस इफ़ के अंदर मैं सारा काम करूँगा, अगर ये इफ़ ट्रू नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं करूँगा ऑन द मूव जो एलिमेंट है ना उस पर क्या करा दो, ऑन द मूव एलिमेंट इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट, बस इवेंट डॉट टारगेट ना, यही तो एलिमेंट है हमारा। जैसे ही उस पर माउस डाउन हुआ, और अगर टिकट है वो एक, तो उस एलिमेंट को उठा के मैंने अलग कर लिया एक वेरिएबल में। अब जिधर माउस जाके छूटेगा वहाँ मैंने उसको अपेंड कराना है, सही है। यहाँ से रिमूव थोड़ी देर में कराएंगे हम। अच्छा अब मुझे माउस अप लगाना होगा, तो इसी को हम कॉपी कर देते हैं, माउस डाउन को हम कर देते हैं माउस अप, सही है। माउस अप में भी मुझे मिलेगा कि जी जिस पर ले जाके छोड़ा है वो क्या है, उसका क्लास नेम मुझे पकड़ में आएगा। उसका क्लास नेम क्या होना चाहिए, उसका क्लास नेम होना चाहिए, यानी इधर से मैंने उठाया उसको तो टिकट मिला,
और इधर ला के छोड़ता हूँ मैं उसको, जब यार ये क्या माउस अप तो मिला ही नहीं मुझे, माउस अप होता है ना इवेंट, नहीं नहीं माउस आउट, माउस अप भी तो है, माउस अप भी तो है ना, एक मिनट यार माउस अप क्यों नहीं मिल रहा मुझे, मैंने इधर माउस डाउन किया और माउस अप कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, माउस अप सही तो लगाया, माउस अप क्यों नहीं मिल रहा भाई मुझे, माउस अप का ज़रा कोड देख लेते हैं, सही है कोड बिल्कुल, माउस अप की स्पेलिंग भी सही लिखी है मैंने, सिर्फ इवेंट को ज़रा प्रिंट कराते हैं ना माउस अप पे, पूरा इवेंट जो है वो क्या मिलता है, मे बी उसके अंदर इवेंट और टारगेट ना मिल रहा हो, रिफ्रेश किया मैंने इसको, टास्क वन को मैंने पकड़ा और इधर लाके मैंने छोड़ा, अबे इवेंट ही नहीं मिल रहा, ये क्या सीन है यार, माउस अप का इवेंट क्यों नहीं मिल रहा, ये क्या बकवास है, अच्छा अब मिल रहा है, ऐसे अलग से क्लिक करके छोड़ रहा हूँ तो मिल रहा है, लेकिन क्लिक करके अगर हल्का सा खींच दूँ अरे फिर भी मिल रहा है, अभी अब मिल रहा है, अच्छा टिकट को जब खींच रहा हूँ, ओ अच्छा ये इस पर मिलेगा मुझे ड्रॉप का इवेंट, क्योंकि मैंने एक चीज़ ड्रैग की हुई है ना, तो इस पर ड्रॉप का एक इवेंट मिलेगा मुझे, आ जाओ ड्रॉप का इवेंट ढूंढते हैं, है ना, क्योंकि वो माउस डाउन तो चलो मिल गया, लेकिन चूंकि अब वो ड्रैग की सूरत में आ गया ना, तो वो क्लिक वाले, क्लिक वाला अब कभी भी नहीं मिले वो मुझे, वो अब मुझे माउस मिलेगा ड्रॉप, हाँ हाँ ये भी सही बात की इसने कि ड्रैग स्टार्ट और ड्रैग एंड भी तो यूज़ कर सकते हैं हम, है ना, ड्रैग स्टार्ट और ड्रैग एंड भी यूज़ कर सकते हैं हम, ड्रैग एंड को जरा एमडीएन पे देख लेता हूँ, अच्छा ये ड्रैग एंटर जो है ना, ड्रैग एंटर और ड्रैग लीव, ये ड्रैग एंटर क्या होता है कि आपने देखा होगा जब किसी फाइल को आप ड्रैग करके ना किसी किसी बॉक्स के करीब लाते हो जब आप, तो उस बॉक्स में लिखा हुआ जाता है ड्रॉप हेयर ऐसे, वो ड्रैग एंटर से वो मिलता है, तो ड्रैग एंटर ना किसी डिव पे डिटेक्ट होता है, जैसे आप गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ ऐसे लेके जाते हो तो वो बोलता है भाई ड्रॉप हेयर, तो वो ड्रैग एंटर और ड्रैग लीव है, अच्छा अगर आप ड्रॉप नहीं करते आप वापस हटा लेते हो तो वो गायब हो जाता है, अगर आप ऐसे आता है ना ड्रॉप हेयर जब तक आप ऊपर रखते हो जब ही तक आता है, जब आप हटा लेते हो तो फिर नहीं लिखा हुआ होता कि ड्रॉप हेयर, तो ये ड्रैग एंटर और ड्रैग लीव तो वो वाला चक्कर है, हाँ ये ड्रॉप आ गया ड्रॉप, तो हमें ना ये वाला चाहिए इवेंट ड्रॉप वाला, ये आ गया ड्रॉप, अब देखते हैं ड्रॉप पे हमें क्या मिलता है, रिफ्रेश किया मैंने, टास्क वन को पकड़ा, खींचा इधर से, ड्रॉप का इवेंट तो मुझे नहीं मिल रहा यार अभी भी, ओके अच्छा ये ड्रॉप का इवेंट लगता किस पे, ये आइटम पे लगता है या एलिमेंट पे लगता है, यानी जिस डिव में इसको ड्रॉप किया जाना है उस पे लगता है, आई थिंक उस पर लगना चाहिए, एड इवेंट लिस्टनर ड्रॉप इवेंट, आ जाते हैं कोड एग्जांपल में ज़रा, हाँ ये ड्रॉप जोन पे लगेगा एक्चुअली, तो ड्रॉप जोन पे लगने का मतलब ये है
कि जिधर ला के ड्रॉप किया जाएगा मुझे उधर इवेंट लिसनर लगाना है, ना कि जो चीज़ ड्रैग की जा रही है उस पर लगाना है। ठीक है, इसने ड्रॉप का कहाँ पे इवेंट लगाया है? हाँ, ड्रॉप जोन के ऊपर इसने जो है ना ड्रॉप का इवेंट लगाया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इस कॉलम के ऊपर लगाऊंगा ड्रॉप का इवेंट, ना सही है। कॉलम के ऊपर लगाने के लिए अगेन मैं वही करूँगा कि जी मगर मैंने तो डॉक्यूमेंट पे लगाया हुआ, मुझे ड्रॉप का इवेंट मिल क्यों नहीं रहा? मुझे तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं खींच के कहीं भी ड्रॉप करूँ है तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो मुझे मिलना चाहिए वो। फिर मैं वो पता लगा लूँगा कि ड्रॉप हुआ किधर है। दोबारा एक दफ़ा इसको हम चेक करते हैं, पेज रिफ्रेश हो गया, ये लो। अच्छा, ड्रॉप जोन को क्या इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया हुआ है कि ड्रॉप जोन कैसा होगा? ये इनका HTML है ना, इस पर क्लास लगाया इन्होंने ड्रॉप जोन, और एक पे लगाया ड्रैगेबल ट्रू। ड्रैगेबल ट्रू तक तो हमारा केस सही है। अच्छा, ये ड्रॉप टारगेट, ड्रॉप जोन में इन्होंने कोई ऐसी खास चीज़ तो नहीं लगाई है। अच्छा, ड्रॉप टारगेट जो है उसके ऊपर ड्रैग ओवर जब होता है उस पर प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है, और ड्रॉप जब होता है तो उस पर भी प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है। नहीं, ड्रैग ओवर तो ये है ना कि जब उसके ऊपर आ जाए ड्रैग होने के बाद, तो ऊपर आने पे वो क्या बिहेव करे। अब इस पर इन्होंने पता नहीं क्यों प्रिवेंट डिफॉल्ट पता नहीं क्यों किया। प्रिवेंट डिफॉल्ट टू अलाउ ड्रॉप, ओके ओके। अच्छा, कह रहा है कि ड्रैग ओवर को आपको जब तक ट्रू नहीं करेंगे जब तक वो ड्रॉप करना अलाउ नहीं करेगा। टाइम ज़रा कम है ना, तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर एड इवेंट लिसनर लगाया था ना, इसको मैं ज़रा स्टेप बैक हो रहा हूँ इससे, और इसकी जगह मैं इंडिविजुअल पे लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाने की वजह से ना गड़बड़ हो रहा है कुछ। और इसका मैं ड्रैगेबल भी फ़िलहाल हटा रहा हूँ मैं इसका। अच्छा, स्क्रीन नहीं आई, इसका ड्रैगेबल भी मैं फ़िलहाल के लिए ना हटा रहा हूँ। अच्छा, और मैंने क्या किया, टिकट के नाम से उठाता हूँ ये सारा, इस वाले को मैं रोक देता हूँ सबको ना। document.querySelector all, और इस पर मैं लगा देता हूँ जी कि डॉट ड्रॉप टिकट, ठीक है। और इसके ऊपर मैं डॉट फॉर ईच लगा देता हूँ, या डॉट मैप भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है ना। ठीक है, मैप लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं। ठीक है, मैप क्या होता है असल में, एरे के लिए बना होता है मैप, और एरे ही रिटर्न करता है, तो मैं ऐसे करके इस पर लगा देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने ऑल टिकट्स पकड़ लिया, और ऑल टिकट्स पे डॉट फॉर ईच करके बनाया था इसने, कैसे बनाया था यार, मोर देन वन एलिमेंट पे। इस बंदे ने तो सवाल ही वन लाइनर का पूछा है ना, ये इस आर्टिकल में जो हम देख रहे थे इससे पहले इसने ये काम किया हुआ था कि जी वो डॉट फॉर ईच करके ना, डॉट फॉर ईच लगा के आइटम पकड़ रहा था, और हर आइटम पे डॉट इवेंट लिसनर लगा रहा था ये। ठीक है, यहाँ पे आपके आइटम पकड़ में आ जाएगा, और हर आइटम पे ना, बल्कि इसको आइटम नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम टिकट, टिकट एलिमेंट होगा ये,
सही है। तो मैंने कहा जी टिकट एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ये नीचे वाला पूरा इवेंट लिसनर इस पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, एंड इवेंट लिसनर माउस डाउन, कि भाई टिकट पे जब भी माउस डाउन हो तो मुझे मिल जाए। और अब मुझे मेरे ख्याल है क्लास नेम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो फिक्स करता था मैं ये जी क्लास ये वाला हो जब ही चले, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हीं क्लासेस पे जाके जो है ना फॉर ईच करके लगाया है। सही है, मैं जस्ट इसका टारगेट जो है ना वो करूँगा कि इवेंट डॉट टारगेट में मुझे वो एलिमेंट पूरा मिल रहा होगा जो भी एलिमेंट मेरा है। सही है, जस्ट एहतियातन मैं एक दफ़ा इसको चला के देख लेता हूँ कि ये सही पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। सही है, सही पकड़ रहा है, ये वही सेम टिकट करके मुझे मिल रहा है। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि जी ठीक है ड्रैग जैसे ही हुआ ना तो मैंने इसको ऑन द मूव वाले पूरे एलिमेंट को सेव करवा लिया यहाँ पे। अच्छा, अब जब होगा यहाँ पे अच्छा इसी सेम पे मैंने क्या करना है, एक और भी सॉरी इस पे नहीं लगाना है मुझे, माउस अप जो लगाना है मुझे वो लगाना है जिस जगह पे गिराना है उस जगह पे लगाना है मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उठाऊँगा ऑल कॉलम्स, ये जो कॉलम्स है ना मेरे, इन तमाम कॉलम्स को उठाऊँगा और कॉलम के ऊपर मैं इवेंट लगाऊँगा कि इस कॉलम पे लाके जब छोड़ा जाए। ठीक है, इस पे भी मैं एक साथ नहीं लगा रहा, अलग अलग करके लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉर द सेम रीज़न कि जो है ना हमारे पास टाइम शॉर्ट है और अभी हिट एंड ट्राई करने का हमारे पास चांस नहीं है, तो हम सीधे सीधे तरीके से करते हैं। तो मैंने कहा जी ऑल कॉलम्स COLUMNS, सही है, कॉलम के नाम से जो था मेरे पास उन सबको मैंने उठा लिया। ठीक है, ऑल कॉलम्स हो गए, ऑल कॉलम्स के ऊपर मैंने फॉर ईच लगा देना है। ठीक है, ऑल कॉलम्स डॉट फॉर ईच, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कॉलम एलिमेंट। सही है जी, कॉलम एलिमेंट मिल गया। अब मुझे इस पे लगाना है माउस अप, जब यहाँ पे हो ना तो वो मुझे चाहिए, और माउस अप पे मैं एक यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ। माउस अप, ठीक है, तो जिधर माउस डाउन करूँ मुझे वो एलिमेंट चाहिए, जिधर माउस अप करूँ मुझे वो चाहिए। तो माउस डाउन मैंने इधर किया, ड्रैग किया उसके बाद मैंने, और माउस अप जब किया तो मुझे वो भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे टिकट और मुझे कॉलम, ये दोनों मिल गया। अच्छा, अब मसला ये था कि जैसे ही मैं इस पर ड्रैगेबल लगाता था ना तो ये मसला कर जाता था। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर जब ड्रैगेबल लगाता था, सिर्फ मैंने अभी एक पे ड्रैगेबल लगाया है जो कि ये वाला है, अब जब मैं ड्रैगेबल लगाता था तो मुझे माउस अप मिलना बंद हो जाता था। ठीक है, माउस अप मुझे हाँ नहीं मिलता, माउस अप मिलना बंद हो जाता है मुझे। रिफ्रेश किया मैंने इसको 3-4 दफ़ा, अब जब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ता हूँ लाके तो मुझे माउस डाउन तो मिलता है ड्रैग होने से पहले, लेकिन माउस अप पे जो है वो ये नहीं मिलता। तो माउस अप की जगह मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, ड्रॉप लगाना है। ठीक है, अब ड्रॉप लगा के देखते हैं कि फिर मुझे इवेंट मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, एक जगह पे दोस्त ने कहा था कि जी ड्रॉप करने से पहले आपको जो है ना एक वो भी चाहिए होगा, वो एक प्रीवेंट डिफॉल्ट आपको करना होगा। माउस डाउन मिला, ड्रैग किया मैंने, और जब ड्रॉप किया तो मुझे इवेंट नहीं मिला। अब ये चक्कर हो रहा था जो लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट पूरे पे एक साथ पे लगाया हुआ था, जब भी यही हो रहा था, अलग अलग करके लगाया जब भी यही हो रहा है। ठीक है, ड्रॉप नहीं मिल रहा। अब ये ड्रॉप के लिए एक दोस्त ने यहाँ पे बताया हुआ था कि यार इसको जो है ना पहले क्या करना पड़ेगा, ये MDN पे बल्कि बताया हुआ है कि ड्रैग ओवर करके लगाना पड़ेगा प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब इसका क्या रीज़न है ये मुझे अभी समझ नहीं आया, लेकिन पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वंस ये चल जाए इसको फिर हम देख लेंगे कि ये करना ज़रूरी क्यों है। अबे क्यों नहीं हो रहा, सही है। तो मेरा जो टारगेट है वो कॉलम एलिमेंट है, कॉलम एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर ड्रैग ओवर, और ड्रैग ओवर पे मैंने प्रीवेंट डिफॉल्ट लगा दिया यहाँ पे। ये खुद से यार वो क्यों नहीं हो रहा, खुद से इंडेंट नहीं हो रहा, राइट क्लिक करके मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया तो नहीं हो रहा, ये क्या चक्कर हो गया यार। सही है जी, इसको मैं ज़रा कट करके मैं पहले कर देता हूँ। सही है, क्योंकि ये पहले होने वाला काम है, वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं ऊपर या नीचे करूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है।
ठीक है, उसके बाद ये करते हैं ड्रॉप, और ड्रॉप करते वक्त भी इन्होंने क्या किया है कि जी वो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाया है। अच्छा अच्छा, इन्होंने कहा है कि जी जो डिफॉल्ट हम कर रहे हैं ना प्रिवेंट, वो इस वजह से कर रहे हैं कि ओपन एज अ लिंक फॉर सम एलिमेंट्स, वो कह रहा है कि कुछ एलिमेंट ना एज अ लिंक ओपन हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ठीक है जी, हम भी प्रिवेंट इसको कर देते हैं। हमारे केस में तो खैर लिंक वाला नहीं है, चलो बगैर पहले बगैर प्रिवेंट किया ज़रा पहले चला के देखते हैं कि मुझे ड्रॉप का इवेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक मुझे ड्रॉप का इवेंट नहीं मिलेगा तो मैं उस एलिमेंट को किधर मूव कराऊँ, उठा तो मैं लिया वहाँ से, मैंने मूव किधर कराऊँ उसको मैं। तो इसको मैंने दोबारा पकड़ा, यहाँ से ड्रैग किया और ड्रॉप किया, तो मुझे मिल गया ड्रॉप का इवेंट मुझे मिल गया। ठीक है, अब ये ड्रॉप इवेंट है, इस पर ये कंसोल गलत लगा हुआ है। ठीक है, ड्रॉप इवेंट मुझे अब मिलना शुरू हो गया, इधर मैंने ड्रैग किया छोड़ा आगे, तो ये ड्रॉप का इवेंट मुझे मिल गया और ड्रॉप जिस चीज़ पे हुआ है वो भी मिल गई है मुझे। ठीक है, क्योंकि उसका क्लास नेम मुझे क्या मिल रहा है, कॉलम मिल रहा है। अच्छा, अब ये जो मुझे ड्रॉप का जो इवेंट जो मिला है उसमें जो ये इवेंट डॉट टारगेट है, ये इवेंट डॉट टारगेट क्या है, वो पूरा का पूरा कॉलम का एलिमेंट है। अच्छा, अगर इस कॉलम के एलिमेंट पे मैं लगाऊं डॉट और डॉट लगा के इसको मैं अपेंड चाइल्ड करूं, जो अभी वो बुक में हमने पढ़ लिया अपेंड चाइल्ड, अभी वो आगे वाले चैप्टर में अपेंड चाइल्ड करूं, या मैं ये करूं कि इनर एचटीएमएल में वो प्लस कर दूं मैं, तो कोई भी चीज़ उसमें मैं ऐड या रिमूव कर सकता हूं। गो के मुझे क्या मिल गया है, जहां जिस चीज़ को ड्रैग किया था वो मिला हुआ है और जिधर लाके मैंने ड्रॉप करना था वो भी मिला हुआ है मुझे, दोनों चीज़ मुझे मिली हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी अपेंड चाइल्ड आप लोगों ने नहीं पढ़ा बुक में, वो आगे के चैप्टर में शायद 64 या 65 में, तो हम इसको फिलहाल अभी किससे कर लेते हैं, इनर एचटीएमएल वाले से कर लेते हैं। ठीक है, कि जो भी ड्रैग किया ला के वो लास्ट में उसको ऐड कर दे। तो मैंने कहा कि जी भाई इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल्स टू, और प्लस इक्वल्स टू करके मैं इसमें क्या डाल दूंगा, जो भी मेरा अभी वाला जो एलिमेंट मिला हुआ है। लेकिन एक मसला है यार, इस तरह तो नहीं होगा ये, इस तरह इसलिए नहीं होगा कि इनर एचटीएमएल को चाहिए होता है स्ट्रिंग, इनर एचटीएमएल को तो चाहिए होता है स्ट्रिंग, एलिमेंट तो नहीं एक्सेप्ट करता वो, तो होगा तो ये अपेंड चाइल्ड से ही। सही है, चलो अपेंड चाइल्ड करते हैं, अपेंड चाइल्ड बहुत आसान है। सही है, अपेंड चाइल्ड ऐसे आप कॉल करते हो यूँ और इसके अंदर आप एक एलिमेंट दे देते हो जाता है वो। अच्छा, इसमें मुझे एलिमेंट ऑन द मूव जो था ना, क्या नाम रखा था जो मैंने साइड पे किया था उस एलिमेंट को, ऑन द मूव एलिमेंट, ये एलिमेंट मुझे दे देना इधर। जब मैंने माउस डाउन किया था तो उस एलिमेंट को मैंने पकड़ के साइड पे कर दिया था, अब जब ला के मैंने छोड़ा है इधर, तो वहाँ पे मैं अपेंड करा रहा हूँ ये वाला चाइल्ड। अब देखते हैं, अगर कोई एरर ना आया तो ये बिल्कुल सही चल जाएगा। अच्छा, इधर से मैंने इसको पकड़ा, खींचा, छोड़ा इसको, एरर आ गया। सही है, क्या एरर आया भाई, इसने कहा कि भाई डॉम एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन अपेंड चाइल्ड ऑन नॉट न्यू चाइल्ड कंटेन्स द पेरेंट। ये क्या बात की इसने यार, अपेंड चाइल्ड ऑन नॉट, ये इसने क्या बात की। ज़रा मैं इवेंट और टारगेट करके ना इवेंट को सिर्फ देख रहा हूँ कि इसमें अपेंड चाइल्ड मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या मुझे मिल किस टाइप की चीज़ मिल रही है, जहाँ मैं ड्रॉप करता हूँ वो वहाँ पे मुझे नॉड कहाँ पे मिल रहा है, एलिमेंट कहाँ पे मिल रहा है। सो मैंने दोबारा ड्रॉप किया, छोड़ा यहाँ ला के, ये मेरे पास इवेंट आ गया। ठीक है, ये ड्रॉप का इवेंट आया। अब इस ड्रॉप के इवेंट में नीचे सारे मेथड जो अवेलेबल होते हैं ना वो मुझे दिख रहे होते हैं इधर प्रोटोटाइप में। ठीक है, तो अपेंड चाइल्ड आया कि इधर मौजूद है भी या नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। सॉरी, इधर नहीं, टारगेट के अंदर ना, इसमें टारगेट किधर है मेरा, ये रहा टारगेट। सही है, टारगेट जो है वो जैसे ही मैं इस पर हाथ जैसे ही मैं इस टारगेट पे देखो हाथ रखता हूँ ना, ये हाईलाइट करता है कि ये क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो टारगेट को मैं खोलता हूँ तो ये मेरा पूरा का पूरा टारगेट है, यानी कि ये पूरा वो एलिमेंट है जिसके ऊपर ड्रॉप हुआ है आके कुछ आइटम। अब इस के ऊपर जो है ना चाइल्ड नॉड्स मौजूद हैं, चिल्ड्रन मौजूद हैं, क्लास लिस्ट मौजूद है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे चिल्ड्रन के ऊपर डॉट लगा के करना होगा अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड की भी एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा, मैं भूल रहा हूँ ज़रा अपेंड चाइल्ड को हम यूज़ कैसे करते थे। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या डायरेक्ट कोई मेथड मौजूद है। सही, ये सारे मेथड्स हैं इसके।
नहीं, इसमें अपेंड चाइल्ड का डायरेक्ट कोई मेथड मौजूद नहीं है, ठीक है। ज़रा हम अपेंड चाइल्ड का जो है ना कोड देख लेते हैं कि वो होता कैसे। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जी अपेंड चाइल्ड जो है ना वो नॉट का मेथड है। सही है, अपेंड चाइल्ड जो है वो नॉट का मेथड है। तो यार एलिमेंट पे मुझे डायरेक्ट ये डॉट लगा के तो मिलना चाहिए फिर, क्योंकि एलिमेंट इटसेल्फ एक नॉट भी होता है कि नहीं। इफ द पेरेंट इज अ चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और एलिमेंट, हम यहाँ पे बुक भी खोल लेते हैं ना, बुक के अंदर जो अपेंड चाइल्ड वाला जो वो है चैप्टर, वो ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा ना एडिंग अ नॉट, चैप्टर नंबर 67 में इन्होंने ये बात की हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया, एक नया एलिमेंट खुद से क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये भी काम हम कर सकते हैं, खुद से भी क्रिएट करेंगे, वही वाली क्लास लगा देंगे तो बात वही हो गई। लेकिन हमारे पास एक बना हुआ एलिमेंट है, हम उसको उठा के इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से ज़रा हम देख लेते हैं, ये इसने एक नॉट जो है ना पूरा क्रिएट किया है कि भाई IMG हो, उसका सेट एट्रीब्यूट करके क्लास उसमें ये, और जो तमाम एट्रीब्यूट सेट कर दिए इसने, और नॉट टू ऐड के ऊपर अपेंड चाइल्ड लगा के ये पूरा का पूरा नॉट उसको पास कर दिया। अब हम जब कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है, अब ये क्या चक्कर है भाई। अच्छा, इंसर्टिंग नॉट यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इंसर्टिंग नॉट में ये क्या करता है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, हमारा कॉलम उठा लिया इसने। अब कॉलम के अंदर हमें टिकट इंसर्ट करना है, हम हमारा ये काम हुआ है। अच्छा, और उसके बाद इसने क्या किया, एक यहाँ पे नया टेक्स्ट नॉट बनाया और पैराग्राफ के अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड लगा के वो करवा दिया। अब जब हम कर रहे हैं तो ये मसला हो रहा है, ये क्या चक्कर है भाई। पेरेंट डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड की स्पेलिंग तो नहीं मैंने गलत लिख दी कहीं। सही तो लिखी है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑन द मूव। हाँ भाई, अच्छा टारगेट डॉट चिल्ड्रन होगा। इसमें डॉट चिल्ड्रन ऐसे नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये तो देखो जो जो डिव मैंने पकड़ा है ना, वो डिव इटसेल्फ तो एक डिव है ना, जो उसके मजीद नॉट हैं वो उसके अंदर हैं, तो ये वाला चक्कर है। देखते हैं वैसे लगा के जो तुमने अभी बात की है उससे कुछ होता या नहीं होता। नहीं, एरर तो ये इटसेल्फ अभी भी दे रहा है। मैंने गूगल पे जाके लिखा है कि इंसर्ट वन डिव टू अनदर डिव और यूजिंग अपेंड चाइल्ड, तो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया, एक वही वाला काम है, बोर्ड, एक बोर्ड इसने उठाया, एक डिव और एक है मेन कंटेनर, और बोर्ड के ऊपर इसने कोई चीज़ लगाई है और बोर्ड को उठा के इसमें डालता है अंदर, और सेम इसके पास आ रहा है कि भाई मेन कंटेनर अपेंड चाइल्ड इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा नहीं, हमारे पास तो थोड़ा डिफरेंट एरर आ रहा है, इसके पास थोड़ा मुख्तलिफ आया है। वेरिएबल में सेव नहीं कराया। हाँ नहीं, अगर मैं, तुम कह रहे हो इस इवेंट डॉट टारगेट को मैं एक वेरिएबल में सेव करा दूँ, वो मैंने गड़बड़ की हुई है ना यहाँ, देखो तो सही।
मैंने गड़बड़ ये की हुई है, ये देखो क्या किया हुआ मैंने, ये ऊपर से कॉपी किया था ना, ये लाइन उधर छोड़ दी है मैंने, इस लाइन में क्या हो रहा है देखो, जहाँ पे मैंने क्या किया था, जहाँ पे मैंने इसके ऊपर इवेंट लिस्ट लगाया था माउस डाउन, तो वहाँ पे मैंने ये ऑन द मूव को एक अलग वेरिएबल में सेपरेट किया था, लेकिन नीचे वाला जो मैंने लगाया है ना उसमें ऊपर से ही कोड कॉपी किया था, तो यहाँ दोबारा आ गया। आप पता है चक्कर क्या हुआ, जहाँ मैं ड्रॉप करता हूँ ना, जहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ तो वो एलिमेंट उठ के ऑन द मूव पे चला जा रहा है। अब वो कह रहा है मेरे अंदर ही मुझे ही डाल रहा है, तो मैं कैसे जाऊँ, तो ये हो रहा है। तो ये लाइन मुझे हटानी पड़ेगी, कोड सही है बिल्कुल, ये कोड सही था, मुझे कह रहा है मेरे ही अंदर मुझे ही डाल रहे हो तुम, तो वो सही एरर उसने सही दिया ये, कि भाई वो देखो ना एरर बिल्कुल साफ और बेहतरीन एरर दिया है। नहीं ये तो वो अभी बाद में दिया था, पहले ये कह रहा था कि भाई वो जो आप इंसर्ट कर रहे हो ना दैट इंक्लूड्स पेरेंट, तो वो कह रहा है मेरा ही पेरेंट है उसके अंदर, तो मैं उसको क्या करूँ अभी। अच्छा अब ज़रा इसको ट्राई करते हैं, इसको मैंने पकड़ा और इधर ला के छोड़ा, आ गया यहाँ पर। अच्छा लेकिन अब ये आएगा सिर्फ लास्ट में ही, मिसाल के तौर पे मैं थ्री को पकड़ूंगा ना यहाँ से। अच्छा वो ड्रैगेबल मैंने सिर्फ एक ही पे लगाया हुआ था, सही है वो ड्रैगेबल मैंने सिर्फ एक पे लगाया हुआ था, तो बाकियों पे भी लगाऊंगा ना तो फिर सही होगा। वेल मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ताकि अब देखो इस टास्क वन को उठा के ना मैं टास्क फोर के नीचे या ऊपर कहीं भी ले जा कर छोड़ूँ, ये आएगा उसके नीचे ही, ठीक है। अब देखो किधर इसने वो कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया ये इसने ड्रॉप कर दिया इसको इसके अंदर, क्या कहते हैं कॉलम के अंदर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो जाहिर है कि पूरे एलिमेंट पे लगा हुआ है, तो जिधर मैं छोड़ता हूँ ना ले जाके उसका टारगेट भी मुझे एक चेक भी लगाना पड़ेगा, इफ़ कि भाई इफ़ जो टारगेट का एलिमेंट है वो कॉलम ही है कुछ और है, सही है। क्योंकि जब इस टेक्स्ट के ऊपर मैं आता हूँ ना, इसका इसके ऊपर क्लास है कॉलम हेडिंग, तो मुझे अभी जल्दी से मैं एक चेक भी यहाँ पर लगा दूँ। वो चेक मैं क्या लगाऊँगा कि जी ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट जो क्लास नेम है ना, ये इसकी क्या होनी चाहिए, इवेंट डॉट ये इक्वल्स होना चाहिए, जिस पे ला के छोड़ा है उसका नाम क्या होना चाहिए, दोबारा से इधर जाता हूँ मैं, अगर इसको उठा के मैं अगर इधर ला के छोड़ता हूँ क्या हुआ ये, अच्छा वो इफ़ को मैंने असल में खाली छोड़ा हुआ है ना, तो वो कोड चल ही नहीं रहा। सही है कॉलम होना चाहिए इसका नाम, तो टास्क वन को इधर लाके मैंने छोड़ा, कॉलम पे आ गया ये, लेकिन रिफ्रेश करके अगर मैं उसको अब ले जाके छोड़ता हूँ इन प्रोग्रेस पे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लास नेम मेरे पास ये वाला आया और बट वो हुआ नहीं, अपेंड वाला काम नहीं हुआ, उस वापस में ही चला गया। टास्क वन को उठा के मैंने इस प्रोग्रेस पे लाके जब छोड़ता हूँ तो नहीं आता, सही है प्रोग्रेस पे नहीं आएगा ये, टास्क वन को इधर इस डब्बे पे लाके छोड़ूंगा जब ही आएगा। अच्छा एक तो ये चक्कर हो गया, लेकिन बात जो मैं एक्चुअल में बताना चाह रहा था, बीच में ये बात निकल आई, वो बात ये बताना चाह रहा था कि इस टास्क वन को ना मैं ये टास्क फोर से ऊपर नहीं छोड़ सकता, मैं ये हमेशा टास्क फोर से नीचे ही आएगा, भले मैं उसको ऊपर ले जाके छोड़ूँ ना, यहाँ पे छोटा सा चपका गया वो बाहर निकल गया, उससे आएगा इसके नीचे ही है, ये इसके ऊपर नहीं आएगा। अब इसका जो हल है, अच्छा वापस भी नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने वाइस वर्सा मैंने दूसरा वाला काम किया नहीं है। अच्छा नहीं आ रहा है वापस, हाँ नहीं वापस भी आ रहा है क्योंकि लगा हुआ तो सेम चीज़ है दोनों पे ही। अब इसका क्या हल है, क्यों मैं अपेंड चाइल्ड करता हूँ हमेशा वो लास्ट में उसको लाके रखता है। अच्छा इसके लिए अब मुझे इवेंट्स को मज़ीद सोफिस्टिकेटेड इवेंट लगाना होगा इसके ऊपर, कि जी वो जहाँ पे वो कर्सर आके मेरा ड्रॉप हुआ है ना, वो कर्सर वो किधर ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अच्छा दूसरा जो ये ड्रैग ओवर पे इसने ये प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाया है, ये वाला ये जो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसने लगवाया है ड्रैग ओवर पे, तो ड्रैग ओवर पे ना मुझे एक डमी उधर बना के भी दिखाना होगा। अगर मैं ट्रेलो पे जाऊँ ना वापस, ट्रेलो पे अगर मैं जाता हूँ और मैं इसको खोलता हूँ, तो देखो क्या होता है जब मैं ऐसे इसको पकड़ता हूँ और पकड़ के जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो जब मैं इधर लाता हूँ ना, देखो एक डमी पीछे बना हुआ आ जाता है, ये जो ग्रे कलर का ही पीछे बना हुआ आ रहा है ना, ये असल में डमी एलिमेंट है।
इसी के साइज का, इसी के डायमेंशन का एक डमी एलिमेंट थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बना हुआ दिखता है, तो ये क्रिएट एलिमेंट करना होगा मुझे वहाँ पे, जहाँ पे भी ये जाता जा रहा है ना, ड्रॉप ओवर होता जा रहा है जहाँ पे भी, है ना। एक माउस ओवर होता है कि माउस ऊपर गया तो वो चल गया, ये ड्रैग ओवर है कि ड्रैग करके माउस अगर उसके ऊपर आया तो यहाँ पे आपने ये बनाना है। तो इस डिव में जहाँ जहाँ पे देखो ये माउस जा रहा है ना, वहाँ वहाँ पे वो डमी बना रहा है, और उस डमी की जगह पे वो रखवा रहा है बाद में उसको। अब डमी की जगह पे रखवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कौन सा इवेंट पकड़ूंगा जिससे मुझे ये बात मिलेगी भाई। मिसाल के तौर पे देखो, अब ये जो वर्किंग वाला जो बोर्ड बना हुआ है, इसमें इस वक्त तीन एलिमेंट है, सही है, वर्किंग वाला जो है उसमें तीन एलिमेंट है। अच्छा, और ये वर्किंग वाला जो पूरा का पूरा कॉलम है, सही है, यानी कि मैं वापस छोड़ता हूँ इसको, वर्किंग का पूरा कॉलम ये यहाँ से लेके ये पूरा जो एजेस हैं, ये पूरे इस पूरे को मैंने बनाया हुआ ड्रॉपेबल, ड्रॉप होगा इधर आइटम आगे, लेकिन अच्छा और ड्रैग ओवर भी होगा, ड्रैग ओवर बल्कि इधर हम लगा देते हैं ना थोड़ा सा, ड्रैग ओवर पे ना हम कर देते हैं कि जी वो कलर थोड़ा चेंज हो जाए उसका, ठीक है, ड्रैग ओवर पे अच्छा ड्रैग ओवर पे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इस वक्त वो किसके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे भी लगाया कि भाई इफ़ टारगेट डॉट क्लास नेम, अगर इसका कॉलम है, ठीक है, अगर कॉलम है तो क्या करो, कॉलम का जो है ना कलर चेंज कर दो थोड़ा सा, जब तक वो उसके ऊपर है तो, सही है। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा आगे, इसको मैं बोलूँगा कि जी इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट स्टाइल भी लगा सकता हूँ और मैं वो भी लगा सकता हूँ, एक क्लास को ऐड भी करा सकता हूँ इसमें, ठीक है, स्टाइल डॉट करके मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, सही है, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू करके मैं थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट बैकग्राउंड दे देता हूँ, अभी तो ये येलो है ना, मैं हमारा वाला येलो है ना, इसी का येलो ही दे देता हूँ मैं इसको थोड़ा, लेकिन लाइट येलो कर देता हूँ इसको मज़ीद, सही है। अच्छा लाइट येलो कैसे होगा, ये इसको जो है ना थोड़ा सा ये वाला कलर दे देता हूँ, सही है, उसी येलो को ही मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया मज़ीद, रिफ्रेश किया मैंने। अब इसको जब मैं उठा के इधर लाता हूँ, इवेंट ये वाला नहीं मिल रहा, एक मिनट, इधर कुछ एरर आया हुआ है, ई इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, अच्छा पूरा इवेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पूरा इवेंट लिखा हुआ है इसलिए वो ई को उसको पता ही नहीं चल रहा क्या है ये, सही है, पूरा इवेंट लिख दिया हमने, चलो और बोलो, रिफ्रेश किया इसको, टास्क वन को उठा के जब मैं इधर लाता हूँ तो अच्छा वो वापस चेंज भी तो करना है उसको जब हट जाए वहाँ से, तो दोनों को ही पीला कर दिया उसने, सही है, रिफ्रेश करता हूँ मैं वापस, जब मैंने टास्क वन को इधर से खींचा हल्का सा, ओ ज़्यादा खींच दिया, जब मैंने उसको खींचा, आप देखो ये बीच बीच में रख रहा हूँ ना, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हल्का सा मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये अपने आप को ही हल्का पीला कर दे रहा है, ठीक है, तो ये इसको भी प्रिवेंट करना है, देख रहे हो छोटी 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 कितनी सारी इसमें चेक्स लगेंगे, कितनी सारी इसमें लॉजिक्स लगेंगी। अब इसको मैं इधर लाता हूँ तो जब तक इसके ऊपर रहे, जब तक येलो रहे, हटाऊँ तो वापस अपने कलर पे आ जाइए, ठीक है। तो अब ये एक छोटा सा काम है, अभी इसको करना है, कैसे होगा ये काम, यहाँ पर हमारे पास कोडिंग मुझे चाहिए इधर और ड्राइंग चाहिए इधर, सही है। अच्छा अब ये जो ड्रैग ओवर है मेरा, तो ड्रैग ओवर के साथ मुझे ड्रैग आउट भी लगाना पड़ेगा कि जी जब ओवर आए तो कलर चेंज करो, आउट हो तो अपनी जगह पे ले आओ वापस, यही किया था ना हमने लास्ट टाइम, तो इस पे मुझे एक ड्रैग आउट भी लगाना पड़ेगा, ड्रैग आउट लगा दिया मैंने। अब ड्रैग आउट पे मैं क्या करूँगा, इसके कलर को नॉर्मल कलर पे वापस लाऊंगा मैं, सही है, नॉर्मल कलर पे वापस कैसे लाऊंगा, ये कलर दोबारा कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये कलर मैंने दोबारा कॉपी किया, मैंने कहा भाई ये कलर पे ले आओ। अच्छा लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है, असूलन होना ये चाहिए कि मैं क्लास बनाऊँ, कि जब वो ड्रॉपेबल बना हुआ ना उस वक्त की एक क्लास हो,
वो ड्रॉपेबल वाली क्लास लगाऊं और हटा दूं ये, अदरवाइज़ क्या होगा कि यहाँ पे मैंने चलो एक कलर लगाया और दूसरे पे मैंने दूसरा कलर लगाया, कल को क्लास में जाके कोई येलो रहा ही नहीं, वो बॉक्स ही कुछ और हो गया कलर में, तो ये तो मेरा फेल हो जाएगा फिर। वो जैसे ही ड्रैग होगा दोबारा येलो, बोलेगा यार येलो क्यों हो रहा है, मैंने तो हटा दिया क्लास में से येलो। ठीक है, तो ये अप्रोच सही नहीं है अभी। वैसे इसको इतने पहले चला के देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से पकड़ के इधर लाया तो ये पीला हुआ, हटा तो भी पीला ही है, ये क्या चक्कर है यार। ड्रैग आउट लगा नहीं है इस पे सही किया। ज़रा इसको ज़रा कंसोल कर लेते हैं हम। सही है, ड्रैग आउट पे ज़रा देख लेते हैं मैं मिल क्या रहा है। इसको पकड़ा मैंने, ड्रैग आउट मिल ही नहीं रहा मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ड्रैग आउट क्यों नहीं मिल रहा, एनीवन नोज, ड्रैग आउट नहीं मिल रहा मुझे। ड्रैग आउट कोई इवेंट होता भी है कि नहीं होता? एक मिनट यार, यहाँ देख लेते हैं ना, ड्रैग आउट कोई इवेंट होता है? ड्रैग लीव होता है, ड्रैग आउट नहीं होता, जब ही तो नहीं मिल रहा। ड्रैग लीव होता है, जब ही तो नहीं मिल रहा था वो। अच्छा, इसको मैंने उठा के अब पकड़ा, इधर वाइट हुआ और अब तो ड्रैग आउट मुझे मिल रहा है, ड्रैग आउट मुझे मिल रहा है। देखो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, लेकिन ड्रैग आउट पे जो मैंने काम करवाया ना, वो काम कुछ गड़बड़ हो गया, जो बैकग्राउंड कलर मैंने लगवाया ना इसके ऊपर, वो कुछ गड़बड़ हो गया। इसको ज़रा ड्रैग आउट पे हम रेड करवा देते हैं ना। इसको मैंने जैसे ही ड्रैग इन किया, हाँ, ड्रैग आउट करूँगा तो ये रेड हो रहा है। लेकिन अब मुझे यही सेम काम किससे करना है, क्लास के ज़रिए करना है, तो मैं ऊपर जाके ना एक क्लास बनाऊँगा। ऊपर जाके मैं ये क्या कर दूँगा यहाँ पे कि जी ऐप डॉट कॉलम जो है ना, ये वाला सही है, कॉलम डैश ड्रॉपेबल, सही है। मैंने कह दिया भाई ड्रॉपेबल जब हो जाए ना ये, तो उस पर क्या लगा दो, थोड़ा सा ये हल्का हल्का वाला कलर लगा दो, सही है, ये मैंने कर दिया। अच्छा, ये वाली क्लासेस पे लगी हुई होगी, ये बाद में लगेगी, तो जो बाद में सीएसएस आता है वो कैस्केडिंग के हिसाब से वो वाला अप्लाई होता है। ठीक है, पहले वाला हट जाता है, तो मैं ये क्लासेस पे ऐड करूँगा और ये क्लास मैं इससे रिमूव कर दूँगा। ठीक है, ड्रॉपेबल मैंने बना दिया इसको, सही है। अब आ जाते हैं, तो मुझे क्या करना है, टारगेट डॉट क्लास नेम डॉट ऐड, नहीं क्लास नेम डॉट ऐड नहीं होता, हाँ क्लास लिस्ट होता है, यस क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास लिस्ट जो है वो क्या है, डॉम टोकन लिस्ट है, हाँ डॉट ऐड है, क्लास लिस्ट के ऊपर डॉट ऐड मिल जाता है मुझे, सही है, डॉट ऐड, और मैंने ये लगा दिया ड्रॉपेबल, हाँ ड्रॉ डॉट नहीं लगेगा, करेक्ट। और इसके ऊपर आ गया, मैंने सेम काम यहाँ पे कर दिया, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ऐड की जगह मैं लगाऊँगा रिमूव, यस अब देखते हैं वो सीमलेस हुआ कि नहीं हुआ। इसको मैंने खींचा, रिमूव नहीं हुआ, ऐड तो हो गया वो रिमूव नहीं हुआ,
ऐड तो हो गया, वो रिमूव नहीं हुआ। लेकिन एक दफ़ा ज़रा इसको अब इंस्पेक्शन कर लेते हैं इसकी। वो ड्रॉपेबल उसमें ऐड तो हुआ है, लेकिन जब वो माउस लीव करता है तो वो ड्रॉपेबल उसमें से रिमूव नहीं हो रहा। हाँ भाई, ऐसा क्यों? नहीं, क्लास रिमूव नहीं हो रही ना, ऐड तो हो गई है, रिमूव क्यों नहीं हो रही? जब मैं ड्रैग लीव करता हूँ तो ड्रैग लीव पे जो है, मुझे ड्रैग लीव का इवेंट तो मुझे मिल रहा है, ये रहा, मुझे ड्रैग लीव का इवेंट मिल रहा है और इसके ऊपर मुझे ओके गॉट इट। वो चक्कर ये हो रहा है कि जब ड्रैग लीव होता है ना तो क्लास नेम है ये, राइट, ये है क्लास नेम। लेकिन मैंने जो चेक लगाया वो किस पे लगाया, मैंने कहा भाई क्लास नेम जो है वो कॉलम होना चाहिए, हालांकि वो कॉलम स्पेस कॉलम ड्रॉपेबल है ना, ये नाम हो गया। तो मुझे अब इक्वल्स इक्वल्स लगाने के बजाय क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा कि भाई डॉट कंटेन्स, स्ट्रिंग का एक मेथड होता है डॉट कंटेन्स, तो मैं वो लगाऊंगा कि भाई डॉट कंटेन कॉलम अगर ये करता है। अब कंटेन होता है या क्या होता है, इंक्लूड्स होता है, सॉरी कंटेन नहीं होता, इंक्लूड्स होता है। एक मिनट यार, हम जरा देख लेते हैं। हाँ, इंक्लूड्स होता है, सही है। कोई भी सेंटेंस डॉट इंक्लूड करके वर्ड लगाते हैं और ये मुझे क्या देता है, ट्रू या फॉल्स देता है, ठीक है। तो ये मैंने सही लगा दिया, इंक्लूड्स अगर कॉलम है ना तो चले, ये कर दिया मैंने उसको। देख रहे हो अब लॉजिक कैसे आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। अब क्या होगा, इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पे, जब लाऊंगा तो ये येलो हो जाएगा हल्का वाला, हटाऊंगा तो हट जाएगा। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जी यहाँ पे ये कुछ रिएक्ट होगा, इसको मैं छोड़ूंगा तो, ठीक है। अच्छा, जब छोड़ा मैंने तो ये क्या हुआ, छोड़ा तो रिएक्ट नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि उधर भी मैंने कॉलम लगाया हुआ, इक्वल्स इक्वल्स कॉलम, कि जी इसका क्लास कॉलम हो जब ही पकड़ना, अदरवाइज कुछ नहीं करना। लेकिन अब क्या है, वो अब ड्रॉप इवेंट पे मुझे जो कॉलम मिलता है, वो जो क्लास नेम मिलता है, वो भी कॉलम स्पेस कॉलम ड्रॉपेबल मिलता है, सही है। तो इसको भी नीचे जाके भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले को कंटेन्स या इंक्लूड्स वाला काम करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ पे लाके छोड़ा, आ गया इधर, अरे अच्छा, ड्रॉप पे भी मुझे उसका क्लास हटानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रॉप हो गया तो लीफ तो मिलेगा नहीं अब मुझे, तो ड्रॉप पे भी मुझे आके ये रिमूव क्लास लिस्ट लगानी पड़ेगी। अपेंड वपेंड सब करने के बाद रिमूव क्लास लिस्ट लगानी पड़ेगी इसमें से। सही है, काफ़ी सही हो गया। अब ये एक माइलस्टोन हमारा पूरा हुआ है, जो हमारा क्या था माइलस्टोन, के जी एक को मैं पकड़ूं और दूसरे पे लाके डालूं तो वो आ जाए। अब हमारा जो अगला माइलस्टोन होगा, अभी तो खैर हम ख़त्म करेंगे आज की क्लास को, यहाँ टाइम ओवर हो गया, के जी वो अब मैं टास्क वन को मैं टास्क फोर से ऊपर भी ले जा सकूं ना, सेम लिस्ट में भी मैं इसको पकड़ूं और नीचे से ऊपर ले जाऊं इसको मैं, ठीक है। अभी मैंने इस पे ज़रा ड्रैगेबल नहीं लगाया हुआ, बाकियों पे लगा देता हूं। जी बोले, नहीं मैंने क्योंकि अभी अपेंड चाइल्ड किया ना, तो अपेंड चाइल्ड तो लास्ट में पुश करता है ना, यानी अपेंड चाइल्ड का मतलब है वो पुश मैकेनिज्म, जो एरे के अंदर डॉट पुश लगाते हैं हमेशा आखिर में करता है, वो दरमियान में कभी भी नहीं करेगा, वो हमेशा आखिर में करेगा। अब वो है एरे मेरे पास, लेकिन मेरे पास वो है एरे, अब उस एरे के दरमियान में भी मैं पुश कर सकता हूँ। मैं डॉट चिल्ड्रन करके बोलूँगा इंडेक्स जीरो पे इसको ले जाके रख दो, जीरो वाला रिप्लेस हो जाएगा, वो आ जाएगा वहाँ पे, या वन पे ले जाके रख दो। अब मुझे कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि दरमियान में मैं इंसर्ट कराऊं उसको, आगे वालों को आगे पीछे करके दरमियान में इंसर्ट कराऊं, सही है। तो अब आपने देखा इसमें अपेंड चाइल्ड हमने अभी यूज़ किया है, अब इसको दरमियान में करने के लिए भी आपको चाइल्ड नॉट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने लाइब्रेरी के ज़रिए कर लिया टाइम बचाने के लिए,
तो भाई लाइब्रेरी से वो हो तो गया, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि वो हुआ क्या है, ठीक है। तो जो अभी हमने तरीका यहाँ पे किया है, इस तरीके से कोशिश करना, इस तरीके से भी एक दफ़ा कर लो। जिन्होंने नहीं किया असाइनमेंट उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल इसमें ना करें फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सॉर्टेबल करके बता रहा था ये। हाँ क्या चीज़ कोड? अच्छा कोड तो हाँ, कोड में वो उसमें गिटहब में पुश करूँगा ना, कोड गिटहब में पुश कर रहा हूँ मैं ये वाला। सही है, ये मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कौन सा वाला है गिटहब का अकाउंट। तुम जाओगे गूगल पे लिखोगे इंजमाम मलिक और साथ में लिखोगे गिटहब, तो ये आ गया ना। सही है, इस पर क्लिक करके अंदर जाओगे तो ये आ गया मेरा मुँह। रिपॉजिटरीज़ में जाओगे, क्योंकि अभी इसमें चेंज हुआ है, अभी फ़ौरन मैंने पुश किया है, तो ये टॉप पे आ रही है रिपॉजिटरी B9 करके है। सही है, इसी तरह पिछले वाले का देखना चाहोगे तो वो B8 करके होगा, नहीं बैज 8 पूरा शायद लिखा होगा। सही है, ये पिछले वाले का, पिछले वाला जो सेक्शन पढ़ा था हमने बैज 8 वाला, उसका ये ठीक है। आपका वाला जो वो B9 करके है। वेल ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बावजूद इसके कि हमारा उसमें अभी भी कुछ काम ज़ाहिर है बाकी है। वो काम ये था कि वो जो सही जगह पे जहाँ पे जाके छोड़ूँ वहीं ऐड हो, लास्ट में हमेशा ऐड ना हो। ये काम मेरी कोशिश थी कि आज हम ये भी करते। दूसरा काम ये करना था कि जब पेज रिफ़्रेश हो तो इसका ऑर्डर चेंज ना हो, ऑर्डर इसका वही रहे जो मैं छोड़ा है मैंने, और जो इसमें टेक्स्ट जो इसमें डेटा है वो इसमें वही रहे जो मैंने छोड़ा है। अभी तो इसमें हार्ड कोडेड लिख दिया था ना मैंने, असल में तो ये हार्ड कोडेड नहीं होगा, असल में तो ये कार्ड शुरू में खाली होंगे, मैं एंटर करूँगा टेक्स्ट और वो बनेगा। तो मैं जब बनाता जाऊँ ना उसको, तो साथ साथ मैं उसको लोकल स्टोरेज में सेव भी कराता जाऊँ। टारगेट तो ये था आज का कि जी वो साथ साथ लोकल स्टोरेज में सेव होगा, जब भी पेज रिफ्रेश होगा लोकल स्टोरेज से दोबारा उठेगा और उसी तरह रेंडर हो जाएगा जैसे वो ऐड करते वक्त हुआ था रेंडर, ठीक है। लेकिन अभी वो हाँ वो सिंक रहता है, सेव रहता है लोकल स्टोरेज के साथ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।